करो तुम मेरा। मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें, तुम मेरा पीछा मत करो। हाँ इट्स अ डैम इंपॉर्टेंट थिंग। मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, जगह नहीं होनी चाहिए। रोज काम करना होता कंप्यूटर पे नॉन स्टॉप। कम कहीं भी यहाँ बैठ जाओ। Then, कहाँ जा रही हो? तुम बाहर आना जरा। चलो कैफे के बाहर मिलो। तुम मुझे रिजेक्ट करते हो, यू रिफ्यूज टू स्लीप विद मी, तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा? हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2020 में रिलीज हुई लव आज कल का। तो प्यार आसान चीज नहीं होती, ये किसी को समझ में नहीं आता, और जब आता है तो जरूरी नहीं कि दुनिया रंगीन हो जाती है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है, इंसान का दिमाग रंगीन हो जाता है। और जब प्यारी का खुमारी उतरती है तो आपके सामने एक बड़ी और लंबी जिंदगी पड़ी होती है।
जिसे आपको जीना है और रोज जीना है, हर तब तक जब तक आप हार न मान लो और या आप दुनिया को छोड़ के ना चले जाओ। तो इस बड़ी और लंबी जिंदगी में प्यार बहुत छोटी सी लेकिन जरूरी चीज होती है। इसके एहसास को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद प्यार में ना हो, और इसे दूसरों को समझा पाना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर ना केवल कई बेहतरीन लव स्टोरीज को जिंदा किया है बल्कि जनता को प्यार के अलग अलग रूप और परिभाषा से भी मिलवाया है। लेकिन अब इम्तियाज अली को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने फिल्म लव आजकल बनाई, मुझे नहीं पता। तो इम्तियाज का ये फेज दर्शकों को पसंद आना मुश्किल है। तो लव आजकल कहानी है वीर और जोई की, जो क्लब में मिलते हैं फिर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये है फिल्म की मॉडर्न स्टोरी जिसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई अपना करियर बनाना चाहता है, उसके पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं है, और वीर जिंदगी में ठहर कर एक एक पल को पूरा जी लेने में विश्वास करता है। तो इसी के साथ एक पुरानी प्रेम कहानी भी चल रही है जो रघुवेंद्र और लीना की। तो ये बिल्कुल उन कहानियों जैसी है जिसे सुनकर हमने प्यार करना सीखा है, लेकिन इसमें भी अपनी अलग परेशानियां हैं। जोई अपने करियर और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे और उसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहीं उसका एक दोस्त उसे अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है जिससे वो अपने रिश्ते को तोड़ रही है। हाँ, यही कॉम्प्लिकेशन इस फिल्म की कहानी है। जब कोई और वीर की कहानी का क्या होगा और उसे उस पुरानी कहानी का क्या होगा, यह फिल्म में देखने वाली बात है। तो इस फिल्म में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को लिया गया है। लोगों को इन दोनों से बहुत उम्मीद तो बहुत होगी, लेकिन इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ खास कमाल किया नहीं। ये कहानी जोई की है तो पहले उस पर ही बात करते हैं। चुलबुली जल्दी से भाग जाने वाली, करियर को अपना नंबर वन प्यार बनाकर रखने वाली लड़की जोई के किरदार में सारा अली खान आपको सारा कम और करीना कपूर खान ज्यादा लगेंगी। जोई हर बात पर परेशान रहती हैं, उनमें गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है और पैशन भी है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो है सारा अली खान की एक्टिंग। सारा इस किरदार में जान डालने की कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए वो पर्दे पर खड़ी बस आपको तंग कर रही है। यहाँ कार्तिक आर्यन के दो रूप देखने को मिलेंगे आपको। तो एक तरफ वो 90s के रघुवेंद्र हैं तो दूसरी तरफ 2020 के वीर। मुझे 2020 का वीर पसंद आया क्योंकि वैसे लोग आज के समय में कम ही मिलते हैं। तो 90s का रघुवेंद्र आइडियल लवर से शुरू होकर कहीं और ही पहुंच जाता है, जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब करते हैं एक्टिंग की बात। दोनों ही किरदारों में कार्तिक आर्यन ने बहुत जगह ऐसी एक्टिंग की है जो जैसे वो दिमागी रूप से हिले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका काम थोड़ा बेहतर होता है। हिमाचल में दिखाया गया कार्तिक आर्यन वाला सीक्वेंस अच्छा है, उनकी एक्टिंग सारा अली खान से थोड़ी बेहतर थी। तो इस फिल्म से आरुषि शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया तो उनका काम अच्छा है, हालांकि उन्होंने भी ज्यादा कमाल नहीं किया। उनके किरदार की डिमांड के हिसाब से आरुषि ने सही काम किया है। फिल्म लव आजकल में एक और किरदार है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था और वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप को 90s के रघुवेंद्र का बड़ा हो चुका वर्जन है जो जोई को अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है। इसके अलावा फिल्म जोई की माँ के किरदार में सिमोन सी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इम्तियाज अली के दिमाग में ये वाली लव स्टोरी लव आजकल बनाने का जबरदस्त आइडिया जरूर आया होगा, लेकिन वो इस फिल्म में कुछ नहीं कर पाए। एक हद से ज्यादा उलझी हुई कहानी, एक बैकड्रॉप में चलती कहानी और पुराने गानों के नए वर्जन निकाल कर अगर फिल्में बनाई जाने लगी तो फिर जनता को इम्तियाज अली स्टाइल का सिनेमा देखने को कैसे मिलेगा।
तो साल 2009 में आई लव स्टोरी को देखिए तो आपको बहुत कुछ फील होगा। यहाँ आप बस पूरा समय सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। फिल्म अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आगे चलकर इतनी स्लो हो जाती है कि उसे देख झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें रॉक स्टार का रणबीर कपूर दिया, जो अपने आप में अलग हैं। किसी को समझ नहीं आया लेकिन हर बार एक अलग नया सा इंसान लगता है, लेकिन लवाज कल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ मैं गलत और शायद जैसे गाने आपको पसंद आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, इसमें आपको 2009 वाली लव आजकल के गाने दूरियां का नया वर्जन सुनने को मिलेगा, जो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मूवी से बाहर आकर पुरानी वाली फिल्म के गाने जरूर सुनना चाहेंगे, कम से कम मैंने तो यही किया है। तो बॉलीवुड के नए लव गुरु इम्तियाज अली एक और प्रेम कहानी लेकर आए थे 2009 की अपनी फिल्म लव आजकल का इसी नाम से नया संस्करण लेकर आए थे। तो पहले वाले में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे और इस बार उनकी बेटी सारा अली खान एक मुख्य भूमिका में है। तो इम्तियाज अली की इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश पिछली फिल्म जैसी ही है, बस मामूली फेरबदल हैं। लोकेशंस इस बार भारत में ही हैं, जबकि पिछली फिल्म में लोकेशंस लंदन और भारत दोनों थे। तो इसमें सैफ की जगह कार्तिक हैं, दीपिका की जगह सारा हैं, ऋषि कपूर की जगह रणदीप हुड्डा हैं और गेजोली मेंटेरो की जगह आरुषि शर्मा हैं। जूही उर्फ जोई करियर को लेकर महत्वाकांक्षी लड़की है, वह इन्वेंट मैनेजमेंट में सफर करियर बनाना चाहती है। उसके जीवन का फलसफा करियर और मौज मस्ती है, इसलिए रिश्ते में कमिटमेंट से दूर भागती है। वह दिल्ली में रोज रघु के कैफे में जाती है और वहीं बैठकर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करती रहती है। वीर को वह अच्छी लगती है, उसकी वजह से वह भी रघु के कैफे में जाने लगता है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण हो जाता है। तो वीर संजीदा है जबकि जोई के लिए करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अंततः सच्चा वाला प्यार हो जाता है। रघु को इन दोनों के से बहुत लगाव है, उसे लगता है कि जवानी में वह भी वीर के जैसा ही था। वह जूही को अपने प्रेम की कहानी सुनाता है। तो रघु उदयपुर में रहता है, वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना से प्यार करता है। दोनों के रिश्तों में समाज मुश्किलें खड़ी करता है। तो लीना के माँ बाप उसे दिल्ली भेज देते हैं ताकि रघु से अपना उसका पीछा छूट जाए। तो रघु भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ लीना के लिए दिल्ली आ जाता है। इधर वीर और जोई की प्रेम कहानी भी एक अलग मोड़ पर आ जाती है। दोनों प्रेम कहानियां साथ साथ चलती हैं, एक फ्लैशबैक में और एक वर्तमान में, एक 1990 की और दूसरी 2020 की। तो कार्तिक दोहरी भूमिका में है लेकिन उनका अभिनय उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले कमतर जरूर है। तो युवा रघु की भूमिका में उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब लगती है, किरदार भी ठीक से नहीं घड़ा गया है। हाँ वीर के रूप में वे थोड़े ठीक लगे हैं, सारा अली खान भी प्रभावित नहीं कर पाए। तो कई बार लगता है कि वो अभिनय करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, इसलिए ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाती हैं। तो रणदीप हुड्डा अच्छे अभिनेता हैं लेकिन पटकथा की कमजोरी की वजह से वह अपना शेष नहीं दे पाए हैं। तो आरुषि शर्मा की यह पहली फिल्म है, इस लिहाज से उनका काम ठीक है। सिमोन सिंह का काम भी ठीक है लेकिन उनके किरदार में ड्रामा ज्यादा है। बाकी कलाकारों के लिए इस फिल्म में करने को कुछ खास था ही नहीं। तो इस फिल्म की पटकथा बहुत उलझी हुई है, इसमें प्रेम की फिलॉसफी को बेवजह इतना खींचा गया है कि वह दर्शकों के दिलों में एहसास पैदा नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि पटकथा प्रेम कहानी दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम का दर्शन पढ़ाने के लिए लिखी गई है। तो पहले आधे घंटे में ये फिल्म ठीक लगती है लेकिन इसके बाद भटक जाती है। किसी भी प्रेम कहानी की सफलता तभी है जब वह दर्शकों को मन को छुए, तो उनके दिमाग को उलझाए नहीं, पर यह फिल्म दिमाग को उलझाती है, लिहाजा अक्सर बोझल लगने लगती है। यह फिल्म बस किसी किसी दर्शक दृश्य में कुछ प्रभावित करती है, बाकी हिस्सों में ऐसा दर्शन ठेलती है कि समझ में ही नहीं आता कि बतौर लेखक और निर्देशक
इम्तियाज अली दर्शकों को क्या दिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। तो जाहिर है इस फिल्म की तुलना 2009 के लव आजकल से होगी ही, और जब तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 2020 की लव आजकल पिछली फिल्म के मुकाबले काफी कमजोर है हर पहलू से। पटकथा के मामले में, प्रस्तुतीकरण के मामले में, अभिनय के मामले में, संगीत के मामले में, तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कमजोर है। ऐसा लगता है कि लव गुरु का तगमा इम्तियाज पर भारी पड़ने लगा है। हर हाल में लव स्टोरी वह भी बिल्कुल अलग तरह की बनाने की जिद में वह दबाव में आ गए प्रतीत होते हैं, जिसका असर उनके कहानी कहने की कला पर पड़ने लगा है। तो शायद यही वजह है कि हाईवे के बाद वह एक भी याद रखने वाली फिल्म नहीं दे पाए हैं। फिल्म का संगीत भी याद रखने लायक नहीं है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और हिमालय के कुछ दृश्य मनोहारी लगते हैं, तो कुल मिलाकर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और औसत से भी कमतर फिल्म मालूम पड़ती है। एक दृश्य में जोड़ आंखों से आंसू लिए वीर से कहती है, अब तुम मुझे तंग करने लगे हो। फिल्म खत्म होते होते यह संवाद आप निर्देशक से कहना चाहेंगे, तो फिल्म खत्म होते ही सबसे पहले एक सवाल आपके दिमाग में कौनता है, क्या इस फिल्म का निर्देशन सच में इम्तियाज अली ने ही किया है? सोचा ना था जब वी मेट, लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार जैसी फिल्मों के बाद यह विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है। इम्तियाज अली की फिल्मों का सबसे मजबूत पक्ष होता है स्क्रीन प्ले, अभिनय, संगीत, सिनेमेटोग्राफी। लव आजकल में ये सभी पहलू कमजोर है। साल 2009 में इसी नाम से आई फिल्म की तरह ही लव आजकल भी आगे बढ़ती है, पर इस बार 1990 और 2020 का समय लिया गया है। प्रेम कहानी अलग है, जोड़ी अलग है और उसकी उलझने अलग हैं। तो दूसरे लोगों की तरह फिल्मकार और निर्देशक भी आत्म सम्मोहन के शिकार होते हैं और अपने ही किए पर फिदा होते रहते हैं, तो बीता वक्त उनके ऊपर हावी रहता है। शायद इम्तियाज अली के साथ भी यही बात है। 2009 में उन्होंने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ लव आजकल बनाई थी, जो सफल हुई थी, तो 11 साल तक वे अपनी ही बनाई इस फिल्म से इतने मंत्रमुग्ध रहे कि इसे फिर से बना डाला। उसी नाम से यानी लव आजकल 2, और कहानी भी वही है, बस स्थान और किरदार बदल दिए गए हैं। इस बार नया ये भी है कि सैफ अली खान की बेटी हीरोइन बन के आई है, यानी सारा अली खान और सैफ की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं। हाँ, डायलॉग्स भी बदल दिए गए हैं, इसलिए कि 2009 के बाद जमाना कुछ तो बदला है, तो युवा लड़के और लड़कियां खुलकर और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनको आम तौर पर गाली कहा जाता है। यौन व्यवहार में भी अधिक उन्मुक्तता आ गई है, वो सब भी इस फिल्म में है, पर कुल मिलाकर फिल्म में नयापन कम है। पुराने लव आजकल की तरह नए लव आजकल में भी दो वक्तों की कहानी है। एक वक्त है रघु और लीना का, जो 1990 का करीब का है, और दूसरा वक्त है आज यानी 2020 का, जिसमें वीर और जोए चौहान में है। तो उदयपुर में रहने वाला 1990 का प्रेमी वीर इतना लल्लू और झेपू है कि अपनी प्रेमिका के साथ छत पर पकड़े जाने पर लोगों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाता, और लीना भी चकू स्कूचाई स्कूचाई सी रहने वाली लड़की है, मानो जबरदस्ती प्रेम को गले में धकेल दी गई है। तो 30 बरस के बाद की कहानी में वीर कुछ कुछ पर पूरी तरह से नहीं लल्लू जैसा ही है, पर लड़की यानी जोए एकदम बोल्ड है, ब्यूटीफुल भी, तो किससे और कब प्रेम किया जाए इसे लेकर उनके फंडे साफ हैं। वो 22 साल की है और अभी करियर पर ध्यान देना चाहती है और 5 साल के बाद किसी लड़के के साथ सेटल होना चाहती है, इसलिए जब तक करियर सेटल हो जाए बॉयफ्रेंड रखने में परहेज नहीं है। लेकिन लव ऐसी चीज है जो हो जाती है, और इसी के कारण वो वीर के से फ्लर्ट करते करते प्रेम भी करने लगती है, पर फिर करियर का विचार आता है और वो उसे छोड़कर चली भी जाती है। क्या वो फिर उससे मिलेगी और दोनों एक दूसरे के होंगे,
फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक अच्छी भूमिका है। लव गुरु राज के रूप में है, असल में 30 साल पहले का वीर ही अब राज बन चुका है। वो एक कैफे चलाता है जहां युवा लोग मिलते हैं और वो उनको कब किससे प्रेम किया जाए इसके बारे में बिना मांगे सलाह दिया करता है। वो अपनी कहानी भी जोए को सुनाता है। लव आजकल अगर सारा अली खान का फिल्मी करियर उठाने के लिए बनाई गई है तो निर्देशक अपने मकसद में कामयाब हुआ है। सारा अली खान ने वो भूमिका निभाई है जिससे आज के जवान लड़के और लड़कियां अपने दौर का महसूस करेंगे। तो ऐसी लड़की जो अपने शरीर को दिखाना चाहती है, खुलकर अपने बारे में बोल सकती है, लेकिन कार्तिक आर्यन फीके लगे हैं दोनों ही भूमिकाओं में, यानी दौर में वे झिंपू लगे हैं। इम्तियाज अली ने उनके कॉस्ट्यूम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लगता है 1990 वाला रघु वीर बन के आया है। ये हकीकत भी नहीं है कि 1990 में भारतीय युवा वर्ग में वो बदलाव आना शुरू हो गया था जो आज दिखता है। इम्तियाज अली ने 1990 के 1960 समझ लिया है, जिसके कारण उस वक्त का समय प्रामाणिक यहां नहीं दिखता है। तो YouTube और OTT पर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का एक खूब देखा जाने वाला वीडियो है, जिसमें वह अपने इंदौर से दिल्ली जाने और उसके बाद किसी पार्टी में एक दिल्ली वाली लड़की के साथ चंद घंटे गुजारने का अनुभव साझा करते हैं। पूरी कहानी को जाकिर प्रेम और वासना और किशोराश्वय वाली उम्मीदों पर बांधते हैं और आखिर में आकर वहां अटक जाते हैं, जहां कोई भी लड़का सिर्फ एक गलती करके छिछोरा साबित हो सकता है। तो इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल का वीर वही इंदौर वाला लड़का है, बस इम्तियाज ने उसका शहर बदल उदयपुर कर दिया है। तो इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों की जमात के प्रतिनिधि हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ काली और सफेद नहीं है, वह प्रेम के मायने अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। ये अलग बात है कि मुंबई जैसे शहर में अगर प्रेम सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है तो अनुभव काफी दर्दनाक भी होता है। तो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं देखने के बाद बाकी क्या बचा होगा। अदिति, गीत, मीरा, तारा से जोई तक आते आते 21वीं सदी में भी लोगों को अगर अरिजीत सिंह का गाना शायद अच्छा लगता है तो इसके मायने यही है कि प्रेम की परिभाषाएं कभी बदलती नहीं है, यह सिर्फ दर्शकों के दिमाग का फितूर है। तो वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म लव आजकल को देखने वाले युवाओं और किशोरों को हालांकि सिनेमा के इतिहास और फिल्मों के रिव्यूज से ज्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता, वे तो बस सिनेमा घरों के अंधेरे में अपने साथी के साथ कुछ लम्हे फुर्सत से गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन ढंग की कहानी और कायदे के अभिनय की तलाश उनको भी रहती है। 11 साल पहले रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और जसेली की फिल्म से इस लव आजकल की तुलना होनी ही है। एक लाइन में कहें तो इम्तियाज अली बतौर निर्देशक 2009 वाली लव आजकल से 2020 वाली लव आजकल को एक केस करने से चूक गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा दोष है उनके फिल्म के लीड कलाकारों कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के रवैये का। दोनों सितारे कहीं से आम इंसानों जैसे नहीं दिखते, उनका हर हाव भाव पर्दे पर और बाहर भी निकली है। तो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कार्तिक और सारा ने जनता के सामने नकली प्रेम भी किया है। तो फिल्म आज लव आजकल में कार्तिक का अभिनय सोचा ना था कि अभय देओल से लेकर रॉकस्टार के रणबीर कपूर की नकल करता दिखता है। सैफ अली खान ने पहले वाली लव आजकल में जो शानदार अभिनय किया था, कार्तिक उसके आधे तक नहीं पहुंचे हैं। तो सैफ पूरी तरह से लय में और किरदार की आत्मा में रचे दिखे थे, तो कार्तिक न दिल्ली से बसे दिखते हैं और ना ही उदयपुर में। सारा अली खान का जितना ध्यान अपने बालों को रंगने और मेकअप को सजाने में रहा होगा, उतना ध्यान शायद उन्होंने अपने अभिनय पर दिया होता तो बात कुछ और ही होती। तो फिल्म के सरप्राइज हैं रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा। हालांकि रणदीप का ये करियर उनके हाईवे वाले महावीर भाटी के
पर संघे जितना भी नहीं है, पर जितनी देर वह पर्दे पर दिख सके सुकून से दिखे आरुषि शर्मा को लव आजकल का फायदा बहुत मिलने वाला है। हिमाचली शोखियां और ईमानदारी उनके अभिनय के पक्के रंग हैं, सोचा न था। और जब भी मैट फिल्म बनाने के बाद इम्तियाज अली की पहचान ऐसे निर्देशक के रूप में बन गई है जो प्रेम कथा पर आधारित फिल्म बनाने में माहिर हैं। तो इन दोनों फिल्मों की कहानी में नयापन नहीं था, लेकिन जो बात इन्हें विशेष बनाती है वो है इम्तियाज का प्रस्तुतीकरण। तो इस वजह से दर्शकों का लव आजकल से ज्यादा उम्मीदें करना स्वाभाविक है और यही उम्मीद लव आजकल पर भारी पड़ती है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आशाएं लेकर आए थे वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लड़का लड़की के बीच प्यार सदियों से चला आ रहा है। पहले कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे, आई लव यू कहने में वर्षों बीत जाते थे, अब ईमेल या एसएमएस से बातचीत होती है। वर्तमान पीढ़ी सेक्स को ही प्यार समझ बैठी है और तू नहीं और सही वाक्य पर विश्वास करती है, तो प्रेमी के इंतजार में वे उम्र तो क्या कुछ घंटे नहीं बिता सकते। इन दो पीढ़ियों के प्यार के प्रति नजरिए को लव आजकल में रेखांकित किया गया है। तो फिल्म में दो कहानियां समांतर चलती हैं, जय और मीरा 2019 के 2009 के युवा हैं, वे बेहद व्यावहारिक हैं, तो साथ घूमना मौज मस्ती करना उन्हें पसंद है और शादी पर उनका विश्वास नहीं है। काम की खातिर जब मीरा लंदन छोड़कर दिल्ली जाती है तो वे अपने रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगाती। उनका मानना है कि उनके शहरों की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्रेकअप जरूरी है। वे ब्रेकअप को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो एक कहानी 1965 की है, वीर सिंह हरलीन को बेहद चाहता है। दोनों का प्रेम के इजहार से समय लगता है, हरलीन की सगाई हो जाती है, लेकिन वीर सिंह हिम्मत नहीं हारता और उसे भगा कर ले जाता है। तो इन दोनों कहानियों का वर्तमान से में मिलाया गया है। युवा वीर सिंह अब बूढ़ा हो गया है और वह जय को प्रेम के अर्थ बताता है। जय और मीरा अलग होने के बाद एक दूसरे की कमी महसूस करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यही प्यार है। दोनों कहानियों में कोई नई बात नहीं है, लव आजकल में वीर और हरलीन के प्रेम में तीव्रता नजर आती है और उनकी प्रेम कहानी सतही लगती है, जबकि इस कहानी में प्रेम की भावनाओं को दिखाने का पर्याप्त अवसर था। लव आजकल के किरदारों को ज्यादा ही आधुनिक दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे वे बनावटी लगते हैं। उनकी कहानी भी हम तुम जैसी फिल्मों में आ चुकी है। ये किरदार फिल्म की शुरुआत में व्यावहारिक इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, तब तक फिल्म भी अच्छी लगती है, लेकिन फिल्म के अंत में कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं और यही पर फिल्म मार खा जाती है। साथ ही प्यार को लेकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं। राहुल खन्ना के से शादी के बाद अचानक अगले ही दिन दीपिका को महसूस होता है कि सैफ को प्यार करती है। अचानक उनमें आए बदलाव का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि राहुल से वे शादी अपनी मर्जी से करती हैं। सैफ अली खान का लुटेरों को दीपिका का फोटो नहीं देने वाला दृश्य तो एकदम फिल्मी है। लेखन की तुलना में इम्तियाज का निर्देशन अच्छा है। दोनों कहानी को बड़ी सफाई से उन्होंने गूंथा है और इसके लिए फिल्म की एडिटर आरती बजाज भी प्रशंसा के काबिल है। दर्शक को अलर्ट रहना पड़ता है कि फिल्म में कब कौन सी कहानी दिखाई जा रही है। हालांकि पुरानी कहानी को सीपिया में दिखाया गया है, युवा वीर के रूप में सैफ और बूढ़े वीर के किरदार में उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर अच्छा प्रयोग किया है। तो जय का किरदार निभाने के लिए सैफ की उम्र ज्यादा है, लेकिन वे इस बात को महसूस नहीं होने देते। तो सैफ ने सलाम नमस्ते हम तुम वाली अभिनय की शैली यहां भी दोहराई है। वीर के रूप में सैफ निराश करते हैं, पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते समय वे असहज लगे। तो दीपिका पादुकोण खूबसूरत हैं, लेकिन अभिनय के मामले में कमजोर साबित हुई। ऋषि कपूर अब उन तरह की भूमिकाओं में टाइट होते जा रहे हैं। राहुल खन्ना हरलीन बनी लड़की को ज्यादा अवसर नहीं मिले। तो प्रीतम का संगीत उम्दा है, चोर बाजारी आहू आहू दूरियां ट्विस्ट सुनने लायक है। तो फिल्म के संवाद बेहतरीन है, तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है। कुल मिलाकर
लव आजकल एक औसत और टाइम पास फिल्म है। तो लव आजकल की कहानी सारा अली खान, आरुषि शर्मा और कार्तिक आर्यन की है। फिल्म दो दौर की प्रेम कहानी है जिसमें सारा अली खान है जो कमिटमेंट से दूर भागती हैं, तो दूसरी और कार्तिक आर्यन है जिन्हें सारा पूरी चाहिए। वहीं एक पुराना दौर और छोटे शहर की कहानी है जिसमें कार्तिक आर्यन हैं और आरुषि शर्मा के साथ उनके भी पेंच पलटते हैं। पूरी तरह से पुरानी फिल्म के ठर्रे पर घड़ी गई है। तो फिल्म के ना तो फर्स्ट हाफ में दम है और ना ही सेकंड हाफ में। हालांकि रघु और लीना की स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है, डायरेक्शन के मोर्चे पर इम्तियाज अली एकदम एवरेज हैं, तो एक्टिंग के मामले में भी लव आजकल बहुत हौसले नहीं बढ़ाती है। सारा अली खान इम्प्रेसिव नहीं है, कई सीन्स में वे बहुत ज्यादा लाउड लगती हैं और यहाँ उनकी एक्टिंग स्किल्स पर सवालिया निशान लगता है, जो कि किरदार में सारा बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पाती। वहीं कार्तिक आर्यन रघु बनते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वीर दिल में उतरता नहीं है। इस तरह इस बार कार्तिक आर्यन थोड़ा चूकते नजर आते हैं। नई एक्ट्रेस आरुषि का काम ठीक है। लव आजकल का म्यूजिक अच्छा है और कुछ गाने दिल को छूते हैं, लेकिन कहानी में नयापन का अभाव है। एक्टिंग काफी कमजोर है, डायरेक्शन के मामले में भी कुछ यूनिक नहीं है। फिल्म को देखकर ना इश्क का की तपिश ना अदाकारी का जुनून ही महसूस होता है। तो प्यार एक ऐसा इमोशन है जो दिलीप कुमार के जमाने से लेकर कार्तिक आर्यन तक भले ही कितना कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, लेकिन वह जो जरूर जाता है वो जरूर जाता है। प्यार को हैंडल करने के तरीके जरूर जनरेशन के साथ साथ बदलते जाते हैं, लेकिन अंततः प्यार अपनी मंजिल पाना चाहता है। दुनिया भर की सारी किताबें, कहानियां और फिल्में प्यार पाने और प्यार होने और प्यार खोने पर ही आधारित हैं। तो इम्तियाज अली की लव आजकल 2 भी यही बात कहती है। यही बात उन्होंने लव आजकल में भी कही थी, जो लव आजकल 2 में कह रहे हैं। तो फिल्म की कहानी दो स्तरों पर चलती है। 2020 की एक मॉडर्न लड़की है जोई, उसकी जिंदगी का मकसद अपना करियर बनाना है, लेकिन इस बीच में बहुत मजिस्ती और जिंदगी जीने से भी उसे परहेज नहीं, तो वह प्यार में नहीं पड़ना चाहती, उसके प्यार में पड़ जाता है वीर। वीर का मानना है कि प्यार चाहिए तो 100% चाहिए वरना नहीं चाहिए, और इन दो अलग अलग लोगों के बीच प्यार कैसे कैसे रंग दिखाता है दूसरे स्तर पर 1990 की लीना और रघु की कहानी है। वहां भी बेइंतहा प्यार है, लेकिन उस प्यार को खोने का चुभना एहसास भी है। एक पीढ़ी में प्यार को पाने और खोने में क्या क्या गलतियां की, उनका प्यार को टैकल करने का अंदाज कहां चूक गया। यही दोनों स्तरों की कहानियां लव आजकल 2 में साथ साथ चलती रहती है। तो इम्तियाज अली भले ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, मगर इस फिल्म के साथ वो खुद को सिर्फ दोहरा रहे हैं। फिल्म इंटरवल तक स्क्रीन प्ले लेवल पर थोड़ी कमजोर साबित होती है, वहीं क्लाइमेक्स में आकर मन वांछित भाव जगाने में भी कम सफल होती है। तो अभिनय की बात करें तो कार्तिक आर्यन जिस तरह के फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, उन सारी फिल्मों में से फिल्म एकदम अलग है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि किरदार चाहे कैसा भी हो वह उसे अपना बना लेंगे। अभिनेता के तौर पर यह कार्तिक के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो सारा अली खान रियल लाइफ में जिस तरह की जैस जोई का किरदार बिल्कुल वैसा ही है। कुछ दृश्यों में वह कमाल करती नजर आती हैं, रघु के किरदार में रणदीप हुड्डा प्रभावित करते हैं। अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा, लव आजकल 2 कोई महान फिल्म नहीं है, मगर एक बार जरूर देखी जा सकती है। फिल्म समझने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने लव आजकल 2 कल नहीं देखी तो निश्चित तौर पर आपको एक अलग अनुभव जरूर हासिल होगा। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म लव आजकल 2009 में रिलीज हुई 2020 में रिलीज हुई फिल्म है। ये 2009 में रिलीज हुई कल आजकल का अगला भाग ही कहा जा सकता है। तो फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं डाला गया है। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान साथ में अच्छे लगते हैं, रणदीप हुड्डा भी अपने रोल के साथ न्याय करते दिखते हैं, लेकिन फिल्म में
इनके किरदारों को अच्छे से नहीं लिखा गया है। इस फिल्म को देखने के बाद इम्तियाज अली की जब हैरी मेट सेजल की याद आती है कि जिसमें बात तो प्यार इश्क की जाती है, लेकिन लव स्टोरी में से प्यार का यूं कहें कि कहानी आत्मा मिसिंग नजर आती है, तो फिल्म में दो अलग लव स्टोरीज दिखाई गई हैं। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाया गया है। फिल्म पर एक ओवर रेटेड मेलोड्रामा है। जिस फिल्म में जिस तरह जोई के कैरेक्टर को कंफ्यूज दिखाया गया है, ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी दर्शकों को कंफ्यूज करती नजर आ रही है। तो फिल्म में ये मैसेज साफ ही नहीं हो पा रहा कि आखिर निर्देशक दिखाना क्या चाहते हैं। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की लव आजकल, तो जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है। बीते कई दिनों से दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार था जो वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई 2020 में। तो फिल्म में सारा और कार्तिक के अलावा रणदीप हुड्डा और आयुषि शर्मा भी हैं। तो आइए जानते हैं कैसी है यह फिल्म। अगर फिल्म का एक लाइन में टेक अवे पूछा जाए तो फिल्म का एक डायलॉग इसका जवाब होगा, तुम मुझे तंग करने लगे हो। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन सिनेमा हॉल में जाने के पहले अगर आप 2009 में आई इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल जैसे एंटरटेनमेंट की उम्मीद लगाए नहीं जा रहे हैं, तो बाहर निकलने हुए आपको जुबान में इम्तियाज अली की यही डायलॉग निकलेगा, क्योंकि यह फिल्म अपने ओरिजिनल वर्जन यानी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण वाली लव आजकल से कोसों दूर है। यहां आप फिल्म को देखने के बाद सैफ अली खान की ट्रेलर रिव्यू से सहमत होते उन्हें की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद की फिल्म का ट्रेलर इससे ज्यादा अच्छा लगा था। वहीं फिल्म के मामले में भी यह बात सच साबित होती नजर आई है। तो लव आजकल एक ही सिक्के के दो पहलू प्रस्तुत करता है। पहले फ्रेम में ही कहानी पास्ट और प्रेजेंट को साथ लेकर चलती है, जहां करियर ओरिएंटेड और बेबाक जोई आज के दौर की वो लड़की है जो किसी सीरियस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं मंगना चाहती, लेकिन लड़कों के साथ टाइम पास करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से उसका करियर, क्योंकि वह नहीं चाहती कोई रिश्ता उसके करियर में बाधा बने। तो एक रात उसकी मुलाकात बेवकूफ से दिखने वाले और अपनी दुनिया में खोए रहने वाले वीर से होती है, जो पेशे से प्रोग्रामिंग इंजीनियर है। जोई को वो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वीर जोई को यूनिक और स्पेशल समझकर उससे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता, तो जोई को बहुत ही अजीब लगता है और वीर पर झुंझलाती है। लेकिन वीर जोई का पीछा करता हुआ उसको वर्क प्लेस तक पहुंच जाता है। यहां पर रघु जोई को अपने प्रेम कहानी सुनाकर एहसास दिलाता है कि वीर उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद शुरू होती है 90 के दशक की प्रेम कहानी, जिसमें रघु उदयपुर में अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना के लिए इस कदर प्यार करता है। दोनों की प्रेम कहानी उदयपुर में फेमस होनी होती है, दोनों बदनाम हो जाते हैं। इस रघु और लीना की लव स्टोरी को सुनकर जोई वीर की अहमियत को समझने लगती है, लेकिन इसके बाद एक जगह जोई का करियर दोनों के रिश्ते का एक दर्दनाक मोड़ पर ले जाता है। दूसरी ओर रघु और लीना का मासूम स्कूल लव भी अपना रंग बदलता नजर आता है। इसके आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की कहानी के बहाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार संगीतकार प्रीतम प्रभावित करने में असफल रहे, क्योंकि यह फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी के हिसाब से उतने परफेक्शन के साथ दिलों में नहीं उतरती। तो प्यार आसान चीज नहीं होती, ये किसी को समझ में नहीं आता, और जब आता है तो जरूरी नहीं कि दुनिया रंगीन हो जाती है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है, इंसान का दिमाग रंगीन हो जाता है। और जब प्यारी का खुमारी उतरती है तो आपके सामने एक बड़ी और लंबी जिंदगी पड़ी होती है, जिसे आपको जीना है और रोज जीना है, हर तब तक जब तक आप हार न मान लो और यहां आप दुनिया को छोड़ के ना चले जाओ। तो इस बड़ी और लंबी जिंदगी में प्यार बहुत छोटी सी लेकिन जरूरी चीज होती है। इसके एहसास को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद प्यार में ना हो, और इसे दूसरों को समझा पाना
उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर ना केवल कई बेहतरीन लव स्टोरीज को जिंदा किया है बल्कि जनता को प्यार के अलग अलग रूप और परिभाषा से भी मिलवाया है। लेकिन अब इम्तियाज अली को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने फिल्म लव आजकल बनाई, मुझे नहीं पता। तो इम्तियाज का ये फेज दर्शकों को पसंद आना मुश्किल है। तो लव आजकल कहानी है वीर और जोई की, जो क्लब में मिलते हैं फिर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये है फिल्म की मॉडर्न स्टोरी जिसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई अपना करियर बनाना चाहता है, उसके पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं है और वीर जिंदगी में ठहर कर एक एक पल को पूरा जी लेने में विश्वास करता है। तो इसी के साथ एक पुरानी प्रेम कहानी भी चल रही है जो रघुवेंद्र और लीना की। तो ये बिल्कुल उन कहानियों जैसी है जिसे सुनकर हमने प्यार करना सीखा है, लेकिन इसमें भी अपनी अलग परेशानियां हैं। जोई अपने करियर और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रही और उसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहीं उसका एक दोस्त उसे अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है जिससे वो अपने रिश्ते को तोड़ रही है। हाँ, यही कॉम्प्लिकेशन इस फिल्म की कहानी है। जब कोई और वीर की कहानी का क्या होगा और उसे उस पुरानी कहानी का क्या होगा, यह फिल्म में देखने वाली बात है। तो इस फिल्म में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को लिया गया है। लोगों को इन दोनों से बहुत उम्मीद तो बहुत होगी, लेकिन इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ खास कमाल किया नहीं। ये कहानी जोई की है तो पहले उस पर ही बात करते हैं। चुलबुली, जल्दी से भाग जाने वाली, करियर को अपना नंबर वन प्यार बनाकर रखने वाली लड़की जोई के किरदार में सारा अली खान आपको सारा कम और करीना कपूर खान ज्यादा लगेंगे। जोई हर बात पर परेशान रहती हैं, उनमें गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है और पैशन भी है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो है सारा अली खान की एक्टिंग। सारा इस किरदार में जान डालने की कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए वो पर्दे पर खड़ी बस आपको तंग कर रही है। यहाँ कार्तिक आर्यन के दो रूप देखने को मिलेंगे आपको। तो एक तरफ वो 90s के रघुवेंद्र हैं तो दूसरी तरफ 2020 के वीर। मुझे 2020 का वीर पसंद आया क्योंकि वैसे लोग आज के समय में कम ही मिलते हैं। तो 90s का रघुवेंद्र आइडियल लवर से शुरू होकर कहीं और ही पहुंच जाता है, जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब करते हैं एक्टिंग की बात। दोनों ही किरदारों में कार्तिक आर्यन ने बहुत जगह ऐसी एक्टिंग की है जो जैसे वो दिमागी रूप से हिले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका काम थोड़ा बेहतर होता है। हिमाचल में दिखाया गया कार्तिक आर्यन वाला सीक्वेंस अच्छा है, उनकी एक्टिंग सारा अली खान से थोड़ी बेहतर थी। तो इस फिल्म से आरुषि शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया तो उनका काम अच्छा है, हालांकि उन्होंने भी ज्यादा कमाल नहीं किया। उनके किरदार की डिमांड के हिसाब से आरुषि ने सही काम किया है। फिल्म लव आजकल में एक और किरदार है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था और वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप को 90s के रघुवेंद्र का बड़ा हो चुका वर्जन है जो जोई को अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है। इसके अलावा फिल्म में जोई की माँ के किरदार में सिमोन सिंह हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इम्तियाज अली के दिमाग में ये वाली लव स्टोरी लव आजकल बनाने का जबरदस्त आइडिया जरूर आया होगा, लेकिन वो इस फिल्म में कुछ नहीं कर पाए। एक हद से ज्यादा उलझी हुई कहानी, एक बैकड्रॉप में चलती कहानी और पुराने गानों के नए वर्जन निकाल कर अगर फिल्में बनाई जाने लगी तो फिर जनता को इम्तियाज अली स्टाइल का सिनेमा देखने को
कैसे मिलेगा? तो साल 2009 में आई लव स्टोरी को देखिए तो आपको बहुत कुछ फील होगा। यहाँ आप बस पूरा समय सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। फिल्म अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आगे चलकर इतनी स्लो हो जाती है कि उसे देख झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें रॉक स्टार का रणबीर कपूर दिया, जो अपने आप में अलग हैं। किसी को समझ नहीं आया लेकिन हर बार एक अलग नया सा इंसान लगता है, लेकिन लवाजकल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ मैं गलत और शायद जैसे गाने आपको पसंद आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, इसमें आपको 2009 वाली लव आजकल के गाने दूरियां का नया वर्जन सुनने को मिलेगा, जो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मूवी से बाहर आकर पुरानी वाली फिल्म के गाने जरूर सुनना चाहेंगे, कम से कम मैंने तो यही किया है। तो बॉलीवुड के नए लव गुरु इम्तियाज अली एक और प्रेम कहानी लेकर आए थे 2009 की अपनी फिल्म लव आजकल का इसी नाम से नया संस्करण लेकर आए थे। तो पहले वाले में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे और इस बार उनकी बेटी सारा अली खान एक मुख्य भूमिका में है। तो इम्तियाज अली की इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश पिछली फिल्म जैसी ही है, बस मामूली फेर बदल हैं। लोकेशंस इस बार भारत में ही हैं, जबकि पिछली फिल्म में लोकेशंस लंदन और भारत दोनों थे। इसमें सैफ की जगह कार्तिक हैं, दीपिका की जगह सारा हैं, ऋषि कपूर की जगह रणदीप हुड्डा हैं और गेजोली मेंटेरो की जगह आरुषि शर्मा हैं। जूही उर्फ जोई करियर को लेकर महत्वाकांक्षी लड़की है, वह इन्वेंट मैनेजमेंट में सफर करियर बनाना चाहती है। उसके जीवन का फलसफा करियर और मौज मस्ती है, इसलिए रिश्ते में कमिटमेंट से दूर भागती है। वह दिल्ली में रोज रघु के कैफे में जाती है और वहीं बैठकर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करती रहती है। वीर को वह अच्छी लगती है, उसकी वजह से वह भी रघु के कैफे में जाने लगता है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण हो जाता है। तो वीर संजीदा है जबकि जोई के लिए करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अंततः सच्चा वाला प्यार हो जाता है। रघु को इन दोनों के से बहुत लगाव है, उसे लगता है कि जवानी में वह भी वीर के जैसा ही था। वह जूही को अपने प्रेम की कहानी सुनाता है। तो रघु उदयपुर में रहता है, अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना से प्यार करता है। दोनों के रिश्तों में समाज मुश्किलें खड़ी करता है। तो लीना के माँ बाप उसे दिल्ली भेज देते हैं ताकि रघु से अपना उसका पीछा छूट जाए। तो रघु भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ लीना के लिए दिल्ली आ जाता है। इधर वीर और जोई की प्रेम कहानी भी एक अलग मोड़ पर आ जाती है। दोनों प्रेम कहानियां साथ साथ चलती हैं, एक फ्लैशबैक में और एक वर्तमान में, एक 1990 की और दूसरी 2020 की। तो कार्तिक दोहरी भूमिका में है लेकिन उनका अभिनय उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले कमतर जरूर है। तो युवा रघु की भूमिका में उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब लगती है, किरदार भी ठीक से नहीं घड़ा गया है। हाँ वीर के रूप में वे थोड़े ठीक लगे हैं, सारा अली खान भी प्रभावित नहीं कर पाए। तो कई बार लगता है कि वो अभिनय करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, इसलिए ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाती हैं। तो रणदीप हुड्डा अच्छे अभिनेता हैं लेकिन पटकथा की कमजोरी की वजह से वो अपना शीर्ष नहीं दे पाए हैं। तो आरुषि शर्मा की यह पहली फिल्म है, इस लिहाज से उनका काम ठीक है। सिमोन सिंह का काम भी ठीक है लेकिन उनके किरदार में ड्रामा ज्यादा है। बाकी कलाकारों के लिए इस फिल्म में करने को कुछ खास था ही नहीं। तो इस फिल्म की पटकथा बहुत उलझी हुई है। इसमें प्रेम की फिलॉसफी को बेवजह इतना खींचा गया है कि वह दर्शकों के दिलों में एहसास पैदा नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि पटकथा प्रेम कहानी दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम का दर्शन पढ़ाने के लिए लिखी गई है।
तो पहले आधे घंटे में ये फिल्म ठीक लगती है, लेकिन इसके बाद भटक जाती है। किसी भी प्रेम कहानी की सफलता तभी है जब वह दर्शकों को मन को छुए, तो उनके दिमाग को उलझाए नहीं, पर यह फिल्म दिमाग को उलझाती है, लिहाजा अक्सर बोझल लगने लगती है। यह फिल्म बस किसी किसी दर्शक दृश्य में कुछ प्रभावित करती है, बाकी हिस्सों में ऐसा दर्शन खेलती है कि समझ में ही नहीं आता कि बतौर लेखक और निर्देशक इम्तियाज अली दर्शकों को क्या दिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। तो जाहिर है इस फिल्म की तुलना 2009 के लव आजकल से होगी ही, और जब तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 2020 की लव आजकल पिछली फिल्म के मुकाबले काफी कमजोर है हर पहलू से। पटकथा के मामले में, प्रस्तुतीकरण के मामले में, अभिनय के मामले में, संगीत के मामले में, तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कमजोर है। ऐसा लगता है कि लव गुरु का तगमा इम्तियाज पर भारी पड़ने लगा है। हर हाल में लव स्टोरी, वह भी बिल्कुल अलग तरह की, बनाने की जिद में वह दबाव में आ गए प्रतीत होते हैं, जिसका असर उनके कहानी कहने की कला पर पड़ने लगा है। तो शायद यही वजह है कि हाईवे के बाद वो एक भी याद रखने वाली फिल्म नहीं दे पाए हैं। फिल्म का संगीत भी याद रखने लायक नहीं है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और हिमालय के कुछ दृश्य मनोहारी लगते हैं, तो कुल मिलाकर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और औसत से भी कमतर फिल्म मालूम पड़ती है। एक दृश्य में जोड़ आंखों से आंसू लिए वीर से कहती है, अब तुम मुझे तंग करने लगे हो। फिल्म खत्म होते होते यह संवाद आप निर्देशक से कहना चाहेंगे, तो फिल्म खत्म होते ही सबसे पहले एक सवाल आपके दिमाग में कौनता है, क्या इस फिल्म का निर्देशन सच में इम्तियाज अली ने ही किया है? सोचा ना था जब भी मैट लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार जैसी फिल्मों के बाद यह विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है। इम्तियाज अली की फिल्मों का सबसे मजबूत पक्ष होता है स्क्रीन प्ले, अभिनय, संगीत, सिनेमेटोग्राफी। लव आजकल में ये सभी पहलू कमजोर है। साल 2009 में इसी नाम से आई फिल्म की तरह ही लव आजकल भी आगे बढ़ती है, पर इस बार 1990 और 2020 का समय लिया गया है। प्रेम कहानी अलग है, जोड़ी अलग है और उसकी उलझने अलग हैं। तो दूसरे लोगों की तरह फिल्मकार और निर्देशक भी आत्म सम्मोहन के शिकार होते हैं और अपने ही किए पर फिदा होते रहते हैं, तो बीता वक्त उनके ऊपर हावी रहता है। शायद इम्तियाज अली के साथ भी यही बात है। 2009 में उन्होंने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ लव आजकल बनाई थी जो सफल हुई थी, तो 11 साल तक वे अपनी ही बनाई इस फिल्म से इतने मंत्रमुग्ध रहे कि इसे फिर से बना डाला उसी नाम से, यानी लव आजकल 2, और कहानी भी वही है, बस स्थान और किरदार बदल दिए गए हैं। इस बार नया ये भी है कि सैफ अली खान की बेटी हीरोइन बन के आई है, यानी सारा अली खान और सैफ की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं। हाँ, डायलॉग्स भी बदल दिए गए हैं, इसलिए कि 2009 के बाद जमाना कुछ तो बदला है, तो युवा लड़के और लड़कियां खुलकर और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनको आम तौर पर गाली कहा जाता है। यौन व्यवहार में भी अधिक उन्मुक्तता आ गई है, वो सब भी इस फिल्म में है, पर कुल मिलाकर फिल्म में नयापन कम है। पुराने लव आजकल की तरह नए लव आजकल में भी दो वक्तों की कहानी है। एक वक्त है रघु और लीना का जो 1990 का करीब का है, और दूसरा वक्त है आज यानी 2020 का, जिसमें वीर और जोए चौहान में है। तो उदयपुर में रहने वाला 1990 का प्रेमी वीर इतना लल्लू और झेपू है कि अपनी प्रेमिका के साथ छत पर
पकड़े जाने पर लोगों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाता और लीना भी चकू स्कूचाई स्कूचाई सी रहने वाली लड़की है। मानो जबरदस्ती प्रेम को गले में धकेल दी गई है। तो 30 बरस के बाद की कहानी में वीर कुछ कुछ पर पूरी तरह से नहीं लल्लू जैसा ही है, पर लड़की यानी जोए एकदम बोल्ड है, ब्यूटीफुल भी। तो किससे और कब प्रेम किया जाए, इसे लेकर उनके फंडे साफ हैं। वो 22 साल की है और अभी करियर पर ध्यान देना चाहती है और 5 साल के बाद किसी लड़के के साथ सेटल होना चाहती है। इसलिए जब तक करियर सेटल न हो जाए बॉयफ्रेंड रखने में परहेज नहीं है। लेकिन लव ऐसी चीज है जो हो जाती है और इसी के कारण वो वीर के से फ्लर्ट करते करते प्रेम भी करने लगती है, पर फिर करियर का विचार आता है और वो उसे छोड़कर चली भी जाती है। क्या वो फिर उससे मिलेगी और दोनों एक दूसरे के होंगे? फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक अच्छी भूमिका है। लव गुरु राज के रूप में है, असल में 30 साल पहले का वीर ही अब राज बन चुका है। वो एक कैफे चलाता है जहां युवा लोग मिलते हैं और वो उनको कब किससे प्रेम किया जाए इसके बारे में बिना मांगे सलाह दिया करता है। वो अपनी कहानी भी जोए को सुनाता है। लव आजकल अगर सारा अली खान का फिल्मी करियर उठाने के लिए बनाई गई है तो निर्देशक अपने मकसद में कामयाब हुआ है। सारा अली खान ने वो भूमिका निभाई है जिससे आज के जवान लड़के और लड़कियां अपने दौर का महसूस करेंगे। तो ऐसी लड़की जो अपने शरीर को दिखाना चाहती है, खुलकर अपने बारे में बोल सकती है। लेकिन कार्तिक आर्यन फीके लगे हैं दोनों ही भूमिकाओं में, यानी दौर में वे झिंपू लगे हैं। इम्तियाज अली ने उनके कॉस्ट्यूम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लगता है 1990 वाला रघु वीर बन के आया है। ये हकीकत भी नहीं है कि 1990 में भारतीय युवा वर्ग में वो बदलाव आना शुरू हो गया था जो आज दिखता है। इम्तियाज अली ने 1990 के 1960 समझ लिया है, जिसके कारण उस वक्त का समय प्रामाणिक यहां नहीं दिखता है। तो YouTube और OTT पर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का एक खूब देखा जाने वाला वीडियो है, जिसमें वह अपने इंदौर से दिल्ली जाने और उसके बाद किसी पार्टी में एक दिल्ली वाली लड़की के साथ चंद घंटे गुजारने का अनुभव साझा करते हैं। पूरी कहानी को जाकिर प्रेम और वासना और किशोराश्वय वाली उम्मीदों पर बांधते हैं और आखिर में आकर वहां अटक जाते हैं, जहां कोई भी लड़का सिर्फ एक गलती करके छिछोरा साबित हो सकता है। तो इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल का वीर वही इंदौर वाला लड़का है। बस इम्तियाज ने उसका शहर बदल उदयपुर कर दिया है। तो इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों की जमात के प्रतिनिधि हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ काली और सफेद नहीं है। वह प्रेम के मायने अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। यह अलग बात है कि मुंबई जैसे शहर में अगर प्रेम सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है तो अनुभव काफी दर्दनाक भी होता है। तो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं देखने के बाद बाकी क्या बचा होगा? अदिति, गीत, मीरा, तारा से जोई तक आते आते 21वीं सदी में भी लोगों को अगर अरिजीत सिंह का गाना शायद अच्छा लगता है तो इसके मायने यही हैं कि प्रेम की परिभाषाएं कभी बदलती नहीं है, यह सिर्फ दर्शकों के दिमाग का फितूर है। तो वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म लव आजकल को देखने वाले युवाओं और किशोरों को हालांकि सिनेमा के इतिहास और फिल्मों के रिव्यूज से ज्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता। वे तो बस सिनेमा घरों के अंधेरे में अपने साथी के साथ कुछ लम्हे फुर्सत से गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन ढंग की कहानी और कायदे के अभिनय की तलाश उनको भी रहती है।
11 साल पहले रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और जसेली की फिल्म से इस लव आजकल की तुलना होनी ही है। एक लाइन में कहें तो इम्तियाज अली बतौर निर्देशक 2009 वाली लव आजकल से 2020 वाली लव आजकल को किस करने से चूक गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दोष है उनके फिल्म के लीड कलाकारों कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के रवैये का। दोनों सितारे कहीं से आम इंसानों जैसे नहीं दिखते। उनका हर हाव भाव पर्दे पर और बाहर भी निकली है। तो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कार्तिक और सारा ने जनता के सामने नकली प्रेम भी किया है। तो फिल्म आज लव आजकल में कार्तिक का अभिनय सोचा ना था कि अभय देओल से लेकर रॉक स्टार के रणबीर कपूर की नकल करता दिखता है। सैफ अली खान ने पहले वाली लव आजकल में जो शानदार अभिनय किया था, कार्तिक उसके आधे तक नहीं पहुंचे हैं। तो सैफ पूरी तरह से लय में और किरदार की आत्मा में रचे दिखे थे। तो कार्तिक न दिल्ली से बसे दिखते हैं और ना ही उदयपुर में। सारा अली खान का जितना ध्यान अपने बालों को रंगने और मेकअप को सजाने में रहा होगा, उतना ध्यान शायद उन्होंने अपने अभिनय पर दिया होता तो बात कुछ और ही होती। तो फिल्म के सरप्राइज हैं रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा। हालांकि रणदीप का ये करियर उनके हाईवे वाले महावीर भाटी के प्रसंगे जितना भी नहीं है, पर जितनी देर वो पर्दे पर दिख सके सुकून से दिखे आरुषि शर्मा को लव आजकल का फायदा बहुत मिलने वाला है। हिमाचली शोखियां और ईमानदारी उनके अभिनय के पक्के रंग हैं। सोचा न था। और जब भी मैट फिल्म बनाने के बाद इम्तियाज अली की पहचान ऐसे निर्देशक के रूप में बन गई है जो प्रेम कथा पर आधारित फिल्म बनाने में माहिर हैं। तो इन दोनों फिल्मों की कहानी में नयापन नहीं था, लेकिन जो बात इन्हें विशेष बनाती है वो है इम्तियाज का प्रस्तुतीकरण। तो इस वजह से दर्शकों का लव आजकल से ज्यादा उम्मीदें करना स्वाभाविक है और यही उम्मीद लव आजकल पर भारी पड़ती है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आशाएं लेकर आए थे वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लड़का लड़की के बीच प्यार सदियों से चला आ रहा है। पहले कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे, आई लव यू कहने में वर्षों बीत जाते थे, अब ईमेल या एसएमएस से बातचीत होती है। वर्तमान पीढ़ी सेक्स को ही प्यार समझ बैठी है और तू नहीं और सही वाक्य पर विश्वास करती है। तो प्रेमी के इंतजार में भी उम्र तो क्या कुछ घंटे नहीं बिता सकते। इन दो पीढ़ियों के प्यार के प्रति नजरिए को लव आजकल में रेखांकित किया गया है। तो फिल्म में दो कहानियां समांतर चलती हैं। जय और मीरा 2019 के 2009 के युवा हैं, वे बेहद व्यावहारिक हैं। तो साथ घूमना मौज मस्ती करना उन्हें पसंद है और शादी पर उनका विश्वास नहीं है। काम की खातिर जब मीरा लंदन छोड़कर दिल्ली जाती है तो वे अपने रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगाती। उनका मानना है कि उनके शहरों की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्रेकअप जरूरी है। वे ब्रेकअप को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो एक कहानी 1965 की है। वीर सिंह हार्लीन को बेहद चाहता है। दोनों का प्रेम के इजहार से समय लगता है। हार्लीन की सगाई हो जाती है लेकिन वीर सिंह हिम्मत नहीं हारता और उसे भगा कर ले जाता है। तो इन दोनों कहानियों का वर्तमान से में मिलाया गया है। युवा वीर सिंह अब बूढ़ा हो गया है और वह जय को प्रेम के अर्थ बताता है। जय और मीरा अलग होने के बाद एक दूसरे की कमी महसूस करते हैं और उन्हें समझ में आता है कि यही प्यार है। दोनों कहानियों में कोई नई बात नहीं है। लव आजकल में वीर और हरलीन के प्रेम में तीव्रता नजर आती है और उनकी प्रेम कहानी सतही लगती है, जबकि इस कहानी में प्रेम की भावनाओं को दिखाने का पर्याप्त अवसर था। लव आजकल के किरदारों को ज्यादा ही आधुनिक दिखाने की
कोशिश की गई है जिससे वे बनावटी लगते हैं। उनकी कहानी भी हम तुम जैसी फिल्मों में आ चुकी है। ये किरदार फिल्म की शुरुआत में व्यावहारिक इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, तब तक फिल्म भी अच्छी लगती है, लेकिन फिल्म के अंत में कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं और यही पर फिल्म मार खा जाती है। साथ ही प्यार को लेकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं। राहुल खन्ना के से शादी के बाद अचानक अगले ही दिन दीपिका को महसूस होता है कि सैफ को प्यार करती है। अचानक उनमें आए बदलाव का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि राहुल से वे शादी अपनी मर्जी से करती हैं। सैफ अली खान का लुटेरों को दीपिका का फोटो नहीं देने वाला दृश्य तो एकदम फिल्मी है। लेखन की तुलना में इम्तियाज का निर्देशन अच्छा है। दोनों कहानी को बड़ी सफाई से उन्होंने गूंथा है और इसके लिए फिल्म की एडिटर आरती बजाज भी प्रशंसा के काबिल हैं। दर्शक को अलर्ट रहना पड़ता है कि फिल्म में कब कौन सी कहानी दिखा जा रही है। हालांकि पुरानी कहानी को सीपिया में दिखाया गया है, युवा वीर के रूप में सैफ और बूढ़े वीर के किरदार में उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर अच्छा प्रयोग किया है। तो जय का किरदार निभाने के लिए सैफ की उम्र ज्यादा है, लेकिन वे इस बात को महसूस नहीं होने देती। तो सैफ ने सलाम नमस्ते हम तुम वाली अभिनय की शैली यहां भी दोहराई है। वीर के रूप में सैफ निराश करते हैं। पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते समय वे असहज लगे। तो दीपिका पादुकोण खूबसूरत हैं, लेकिन अभिनय के मामले में कमजोर साबित हुई। ऋषि कपूर अब उन तरह की भूमिकाओं में टाइट होते जा रहे हैं। राहुल खन्ना हरलीन बनी लड़की को ज्यादा अवसर नहीं मिले। तो प्रीतम का संगीत उम्दा है। चोर बाजारी आहू आहू दूरियां ट्विस्ट सुनने लायक हैं। तो फिल्म के संवाद बेहतरीन है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है। कुल मिलाकर लव आजकल एक औसत और टाइम पास फिल्म है। तो लव आजकल की कहानी सारा अली खान, आरुषि शर्मा और कार्तिक आर्यन की है। फिल्म दो दौर की प्रेम कहानी है जिसमें सारा अली खान है जो कमिटमेंट से दूर भागती हैं, तो दूसरी ओर कार्तिक आर्यन है जिन्हें सारा पूरी चाहिए। वहीं एक पुराना दौर और छोटे शहर की कहानी है जिसमें कार्तिक आर्यन हैं और आरुषि शर्मा के साथ उनके भी पेंच पलटते हैं। पूरी तरह से पुरानी फिल्म के ठर्रे पर घड़ी गई है। तो फिल्म के ना तो फर्स्ट हाफ में दम है और ना ही सेकंड हाफ में। हालांकि रघु और लीना की स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है, डायरेक्शन के मोर्चे पर इम्तियाज अली एकदम एवरेज है। तो एक्टिंग के मामले में भी लव आजकल बहुत हौसले नहीं बढ़ाती है। सारा अली खान इम्प्रेसिव नहीं है, कई सीन्स में वे बहुत ज्यादा लाउड लगती है और यहाँ उनकी एक्टिंग स्किल्स पर सवालिया निशान लगता है। जोए के किरदार में सारा बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पाती। वहीं कार्तिक आर्यन रघु बनते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वीर दिल में उतरता नहीं। इस तरह इस बार कार्तिक आर्यन थोड़ा चूपे नजर आते हैं। नई एक्ट्रेस आरुषि का काम ठीक है। लव आजकल का म्यूजिक अच्छा है और कुछ गाने दिल को छूते हैं, लेकिन कहानी में नयापन का अभाव है। एक्टिंग काफी कमजोर है, डायरेक्शन के मामले में भी कुछ यूनिक नहीं है। फिल्म को देखकर ना इश्क का की तपिश ना अदाकारी का जुनून ही महसूस होता है। तो प्यार एक ऐसा इमोशन है जो दिलीप कुमार के जमाने से लेकर कार्तिक आर्यन तक भले ही कितना कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, लेकिन वह जो जरूर जाता है वो जरूर जाता है। प्यार को हैंडल करने के तरीके जरूर जनरेशन के साथ साथ बदलते जाते हैं, लेकिन अंततः प्यार अपनी मंजिल पाना चाहता है। दुनिया भर की सारी किताबें कहानियां और फिल्में प्यार पाने और प्यार होने और प्यार खोने पर ही आधारित है। तो इम्तियाज अली की लव आजकल 2 भी यही बात कहती है। यही बात उन्होंने लव आजकल में भी कही थी जो लव आजकल 2 में कह रही हैं। तो फिर
फिल्म की कहानी दो स्तरों पर चलती है। 2020 की एक मॉडर्न लड़की है जोई, उसकी जिंदगी का मकसद अपना करियर बनाना है, लेकिन इस बीच में मौज मस्ती और जिंदगी जीने से भी उसे परहेज नहीं, तो वह प्यार में नहीं पड़ना चाहती, उसके प्यार में पड़ जाता है भी। वीर का मानना है कि प्यार चाहिए तो 100% चाहिए वरना नहीं चाहिए, और इन दो अलग अलग लोगों के बीच प्यार कैसे कैसे रंग दिखाता है। दूसरे स्तर पर 1990 की लीना और रघु की कहानी है, वहां भी बे इंतहा प्यार है, लेकिन उस प्यार को खोने का चुभना एहसास भी है। एक पीढ़ी में प्यार को पाने और खोने में क्या क्या गलतियां की, उनका प्यार को टैकल करने का अंदाज कहां चूक गया। यही दोनों स्तरों की कहानियां लव आजकल 2 में साथ साथ चलती रहती हैं। तो इम्तियाज अली भले ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, मगर इस फिल्म के साथ वह खुद को सिर्फ दोहरा रहे हैं। फिल्म इंटरवल तक स्क्रीन प्ले लेवल पर थोड़ी कमजोर साबित होती है, वहीं क्लाइमेक्स में आकर मन वांछित भाव जगाने में भी कम सफल होती है। तो अभिनय की बात करें तो कार्तिक आर्यन जिस तरह के फिल्मों के अभिनेता रहे हैं, उन सारी फिल्मों में से फिल्म एकदम अलग है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि किरदार चाहे कैसा भी हो वह उसे अपना बना लेंगे। अभिनेता के तौर पर यह कार्तिक के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो सारा अली खान रियल लाइफ में जिस तरह की जैस जोई का किरदार बिल्कुल वैसा ही है। कुछ दृश्यों में वह कमाल करती नजर आती हैं, रघु के किरदार में रणदीप हुड्डा प्रभावित करते हैं, अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा। लव आजकल 2 कोई महान फिल्म नहीं है, मगर एक बार जरूर देखी जा सकती है। फिल्म समझने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने लव आजकल 2 कल नहीं देखी तो निश्चित तौर पर आपको एक अलग अनुभव जरूर हासिल होगा। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म लव आजकल 2009 में रिलीज हुई 2020 में रिलीज हुई फिल्म है। ये 2009 में रिलीज हुई कल आजकल का अगला भाग ही कहा जा सकता है। तो फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं डाला गया है। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान साथ में अच्छे लगते हैं, रणदीप हुड्डा भी अपने रोल के साथ न्याय करते दिखते हैं, लेकिन फिल्म में इनके किरदारों को अच्छे से नहीं लिखा गया है। इस फिल्म को देखने के बाद इम्तियाज अली की जब हैरी मेट सेजल की याद आती है कि जिसमें बात तो प्यार इश्क की जाती है, लेकिन लव स्टोरी में से प्यार का यूं कहें कि कहानी आत्मा मिसिंग नजर आती है। तो फिल्म में दो अलग लव स्टोरीज दिखाई गई हैं। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाया गया है। फिल्म पर एक ओवर रेटेड मेलोड्रामा है। जिस फिल्म में जिस तरह जोई के कैरेक्टर को कंफ्यूज दिखाया गया है, ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी दर्शकों को कंफ्यूज करती नजर आ रही है। तो फिल्म में ये मैसेज साफ ही नहीं हो पा रहा कि आखिर निर्देशक दिखाना क्या चाहते हैं। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की लव आजकल तो जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है, बीते कई दिनों से दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार था जो वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई 2020 में। तो फिल्म में सारा और कार्तिक के अलावा रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा भी हैं। तो आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। अगर फिल्म का एक लाइन में टेक अवे पूछा जाए तो फिल्म का एक डायलॉग इसका जवाब होगा, तुम मुझे तंग करने लगे हो। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन सिनेमा हॉल में जाने के पहले अगर आप 2009 में आई इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल जैसे एंटरटेनमेंट की उम्मीद लगाए नहीं जा रहे हैं तो बाहर निकलने हुए आपको जुबान में इम्तियाज अली की यही डायलॉग निकलेगा, क्योंकि यह फिल्म अपने ओरिजिनल वर्जन यानी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण वाली लव आजकल से कोसों दूर है। यहां आप फिल्म को देखने के बाद सैफ अली खान के ट्रेलर रिव्यू से सहमत होते
होने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद की फिल्म का ट्रेलर इससे ज्यादा अच्छा लगा था। वहीं फिल्म के मामले में भी यह बात सच साबित होती नजर आई है। तलब आजकल एक ही सिक्के के दो पहलू प्रस्तुत करता है। पहले फ्रेम में ही कहानी पास्ट और प्रेजेंट को साथ लेकर चलती है, जहां करियर ओरिएंटेड और बेबाक जोई आज के दौर की वो लड़की है जो किसी सीरियस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं बनना चाहती, लेकिन लड़कों के साथ टाइम पास करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से उसका करियर, क्योंकि वह नहीं चाहती कोई रिश्ता उसके करियर में बाधा बने। तो एक रात उसकी मुलाकात बेवकूफ से दिखने वाले और अपनी दुनिया में खोए रहने वाले वीर से होती है, जो पेशे से प्रोग्रामिंग इंजीनियर है। जोई को वो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वीर जोई को यूनिक और स्पेशल समझकर उससे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता तो जोई को बहुत ही अजीब लगता है और वीर पर झुंझलाती है। लेकिन वीर जोई का पीछा करता हुआ उसको वर्क प्लेस तक पहुंच जाता है। यहां पर रघु जोई को अपने प्रेम कहानी सुनाकर एहसास दिलाता है कि वीर उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद शुरू होती है 90 के दशक की प्रेम कहानी, जिसमें रघु उदयपुर में अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना के लिए इस कदर प्यार करता है। दोनों की प्रेम कहानी उदयपुर में फेमस होनी होती है, दोनों बदनाम हो जाते हैं। इस रघु और लीना की लव स्टोरी को सुनकर जोई वीर की अहमियत को समझने लगती है। लेकिन इसके बाद एक जगह जोई का करियर दोनों के रिश्ते का एक दर्दनाक मोड़ पर ले जाता है। दूसरी ओर रघु और लीना का मासूम स्कूल लव भी अपना रंग बदलता नजर आता है। इसके आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की कहानी के बहाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार संगीतकार प्रीतम प्रभावित करने में असफल रहे, क्योंकि यह फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी के हिसाब से उतने परफेक्शन के साथ दिलों में नहीं उतरती। तो प्यार आसान चीज नहीं होती, ये किसी को समझ में नहीं आता, और जब आता है तो जरूरी नहीं कि दुनिया रंगीन हो जाती है। दुनिया जैसी है वैसी ही रहती है, इंसान का दिमाग रंगीन हो जाता है। और जब प्यारी का खुमारी उतरती है तो आपके सामने एक बड़ी और लंबी जिंदगी पड़ी होती है, जिसे आपको जीना है और रोज जीना है, हर तब तक जब तक आप हार न मान लो और या आप दुनिया को छोड़ के ना चले जाओ। तो इस बड़ी और लंबी जिंदगी में प्यार बहुत छोटी सी लेकिन जरूरी चीज होती है। इसके एहसास को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद प्यार में ना हो, और इसे दूसरों को समझा पाना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर ना केवल कई बेहतरीन लव स्टोरीज को जिंदा किया है, बल्कि जनता को प्यार के अलग अलग रूप और परिभाषा से भी मिलवाया है। लेकिन अब इम्तियाज अली को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने फिल्म लव आजकल बनाई, मुझे नहीं पता। तो इम्तियाज का ये फेज दर्शकों को पसंद आना मुश्किल है। तो लव आजकल कहानी है वीर और जोई की, जो क्लब में मिलते हैं फिर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। यह है फिल्म की मॉडर्न स्टोरी, जिसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई अपना करियर बनाना चाहता है, उसके पास रिश्तों के लिए टाइम नहीं है, और वीर जिंदगी में ठहर कर एक एक पल को पूरा जी लेने में विश्वास करता है। तो इसी के साथ एक पुरानी प्रेम कहानी भी चल रही है जो रघुवेंद्र और लीना की। तो ये बिल्कुल उन कहानियों जैसी है जिसे सुनकर हमने प्यार करना सीखा है, लेकिन इसमें भी अपनी अलग परेशानियां हैं। जोई अपने करियर और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रही और उसे अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहीं उसका एक दोस्त उसे अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है जिससे वो अपने रिश्ते को तोड़ रही है। हाँ, यही कॉम्प्लिकेशन इस फिल्म की कहानी है। जब कोई और वीर की कहानी का क्या होगा और उसे उस पुरानी कहानी का क्या होगा, यह फिल्म में देखने वाली बात है। तो इस फिल्म में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को लिया गया है।
लोगों को इन दोनों से बहुत उम्मीद तो बहुत होगी, लेकिन इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ खास कमाल किया नहीं। ये कहानी जोई की है तो पहले उस पर ही बात करते हैं। चुलबुली जल्दी से भाग जाने वाली, करियर को अपना नंबर वन प्यार बनाकर रखने वाली लड़की जोई के किरदार में सारा अली खान आपको सारा कम और करीना कपूर खान ज्यादा लगेंगी। जोई हर बात पर परेशान रहती हैं, उनमें गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है और पैशन भी है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो है सारा अली खान की एक्टिंग। सारा इस किरदार में जान डालने की कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए वो पर्दे पर खड़ी बस आपको तंग कर रही है। यहां कार्तिक आर्यन के दो रूप देखने को मिलेंगे आपको, तो एक तरफ वो 90s के रघुवेंद्र हैं तो दूसरी तरफ 2020 के वीर। मुझे 2020 का वीर पसंद आया क्योंकि वैसे लोग आज के समय में कम ही मिलते हैं। तो 90s का रघुवेंद्र आइडियल लवर से शुरू होकर कहीं और ही पहुंच जाता है, जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब करते हैं एक्टिंग की बात। दोनों ही किरदारों में कार्तिक आर्यन ने बहुत जगह ऐसी एक्टिंग की है जो जैसे वो दिमागी रूप से हिले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका काम थोड़ा बेहतर होता है। हिमाचल में दिखाया गया कार्तिक आर्यन वाला सीक्वेंस अच्छा है, उनकी एक्टिंग सारा अली खान से थोड़ी बेहतर थी। तो इस फिल्म से आरुषि शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया तो उनका काम अच्छा है, हालांकि उन्होंने भी ज्यादा कमाल नहीं किया। उनके किरदार की डिमांड के हिसाब से आरुषि ने सही काम किया है। फिल्म लवाजकल में एक और किरदार है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था और वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप को 90s के रघुवेंद्र का बड़ा हो चुका वर्जन है जो जोई को अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है। इसके अलावा फिल्म में जोई की मां के किरदार में सिमोन सिंह हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इम्तियाज अली के दिमाग में ये वाली लव स्टोरी लवाजकल बनाने का जबरदस्त आइडिया जरूर आया होगा, लेकिन वो इस फिल्म में कुछ नहीं कर पाए। एक हद से ज्यादा उलझी हुई कहानी, एक बैकड्रॉप में चलती कहानी और पुराने गानों के नए वर्जन निकाल कर अगर फिल्में बनाई जाने लगी तो फिर जनता को इम्तियाज अली स्टाइल का सिनेमा देखने को कैसे मिलेगा। तो साल 2009 में आई लव स्टोरी को देखिए तो आपको बहुत कुछ फील होगा। यहाँ आप बस पूरा समय सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। फिल्म अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आगे चलकर इतनी स्लो हो जाती है कि उसे देख झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें रॉक स्टार का रणबीर कपूर दिया, जो अपने आप में अलग हैं। किसी को समझ नहीं आया लेकिन हर बार एक अलग नया सा इंसान लगता है, लेकिन लवाजकल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ, मैं गलत और शायद जैसे गाने आपको पसंद आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, इसमें आपको 2009 वाली लव आजकल के गाने दूरियां का नया वर्जन सुनने को मिलेगा, जो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मूवी से बाहर आकर पुरानी वाली फिल्म के गाने जरूर सुनना चाहेंगे, कम से कम मैंने तो यही किया है। तो बॉलीवुड के नए लव गुरु इम्तियाज अली एक और प्रेम कहानी लेकर आए थे, 2009 की अपनी फिल्म लव आजकल का इसी नाम से नया संस्करण लेकर आए थे। तो पहले वाले में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे और इस बार उनकी बेटी सारा अली खान एक मुख्य भूमिका में है। तो इम्तियाज अली की इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश पिछली फिल्म जैसी ही है, बस मामूली फेरबदल हैं। लोकेशंस इस बार भारत में ही हैं, जबकि पिछली फिल्म में लोकेशंस लंदन और भारत दोनों थे। तो इसमें सैफ की जगह कार्तिक हैं, दीपिका की जगह सारा हैं, ऋषि कपूर की जगह रणदीप हुड्डा हैं और गेजोली मेंटेरो की जगह आरुषि शर्मा है। जूही उर्फ जोई करियर को लेकर महत्वाकांक्षी लड़की है, वो इन्वेंट मैनेजमेंट में सफल करियर बनाना चाहती है। उसके जीवन का फलसफा करियर और मौज मस्ती है, इसलिए रिश्ते में कमिटमेंट से दूर भागती है। वह दिल्ली में रोज रघु के कैफे में जाती है और वहीं बैठकर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करती रहती है। वीर को वह अच्छी लगती है, उसकी वजह से वह भी रघु के कैफे में जाने लगता है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण हो जाता है। तो वीर संजीदा है जबकि जोई के लिए करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अंततः सच्चा वाला प्यार हो जाता है। रघु को इन दोनों के से बहुत लगाव है, उसे लगता है कि जवानी में वह भी वीर के जैसा ही था। वह जूही को अपने प्रेम की कहानी सुनाता है। तो रघु उदयपुर में रहता है, वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना से प्यार करता है। दोनों के रिश्तों में समाज मुश्किलें खड़ी करता है।
तो लीना के माँ बाप उसे दिल्ली भेज देते हैं ताकि रघु से अपना उसका पीछा छूट जाए। तो रघु भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ लीना के लिए दिल्ली आ जाता है। इधर वीर और जोई की प्रेम कहानी भी एक अलग मोड़ पर आ जाती है। दोनों प्रेम कहानियां साथ साथ चलती हैं, एक फ्लैशबैक में और एक वर्तमान में, एक 1990 की और दूसरी 2020 की। तो कार्तिक दोहरी भूमिका में है, लेकिन उनका अभिनय उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले कमतर जरूर है। तो युवा रघु की भूमिका में उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब लगती है, किरदार भी ठीक से नहीं घड़ा गया है। हाँ, वीर के रूप में वे थोड़े ठीक लगे हैं, सारा अली खान भी प्रभावित नहीं कर पाए। तो कई बार लगता है कि वो अभिनय करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, इसलिए ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाती हैं। तो रणदीप हुड्डा अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन पटकथा की कमजोरी की वजह से वो अपना शेष नहीं दे पाए हैं। तो आरुषि शर्मा की यह पहली फिल्म है, इस लिहाज से उनका काम ठीक है। सिमोन सिंह का काम भी ठीक है, लेकिन उनके किरदार में ड्रामा ज्यादा है। बाकी कलाकारों के लिए इस फिल्म में करने को कुछ खास था ही नहीं। तो इस फिल्म की पटकथा बहुत उलझी हुई है। इसमें प्रेम की फिलॉसफी को बेवजह इतना खींचा गया है कि वह दर्शकों के दिलों में एहसास पैदा नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि पटकथा प्रेम कहानी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम का दर्शन पढ़ाने के लिए लिखी गई है। तो पहले आधे घंटे में ये फिल्म ठीक लगती है, लेकिन इसके बाद भटक जाती है। किसी भी प्रेम कहानी की सफलता तभी है जब वह दर्शकों को मन को छुए, तो उनके दिमाग को उलझाए नहीं, पर यह फिल्म दिमाग को उलझाती है, लिहाजा अक्सर बोझल लगने लगती है। यह फिल्म बस किसी किसी दर्शक दृश्य में कुछ प्रभावित करती है, बाकी हिस्सों में ऐसा दर्शन ठेलती है कि समझ में ही नहीं आता कि बतौर लेखक और निर्देशक इम्तियाज अली दर्शकों को क्या दिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। तो जाहिर है इस फिल्म की तुलना 2009 के लव आजकल से होगी ही, और जब तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 2020 की लव आजकल पिछली फिल्म के मुकाबले काफी कमजोर है हर पहलू से। पटकथा के मामले में, प्रस्तुतीकरण के मामले में, अभिनय के मामले में, संगीत के मामले में। तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कमजोर है। ऐसा लगता है कि लव गुरु का तगमा इम्तियाज पर भारी पड़ने लगा है। हर हाल में लव स्टोरी, वह भी बिल्कुल अलग तरह की, बनाने की जिद में वह दबाव में आ गए प्रतीत होते हैं, जिसका असर उनके कहानी कहने की कला पर पड़ने लगा है। तो शायद यही वजह है कि हाईवे के बाद वह एक भी याद रखने वाली फिल्म नहीं दे पाए हैं। फिल्म का संगीत भी याद रखने लायक नहीं है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और हिमालय के कुछ दृश्य मनोहारी लगते हैं। तो कुल मिलाकर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और औसत से भी कमतर फिल्म मालूम पड़ती है। एक दृश्य में जोड़ आंखों से आंसू लिए वीर से कहती है, अब तुम मुझे तंग करने लगे हो। फिल्म खत्म होते होते यह संवाद आप निर्देशक से कहना चाहेंगे। तो फिल्म खत्म होते ही सबसे पहले एक सवाल आपके दिमाग में कौनता है, क्या इस फिल्म का निर्देशन सच में इम्तियाज अली ने ही किया है? सोचा ना था जब वी मेट, लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार जैसी फिल्मों के बाद यह विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है। इम्तियाज अली की फिल्मों का सबसे मजबूत पक्ष होता है स्क्रीन प्ले, अभिनय, संगीत, सिनेमेटोग्राफी। लव आजकल में ये सभी पहलू कमजोर है। साल 2009 में इसी नाम से आई फिल्म की तरह ही लव आजकल भी आगे बढ़ती है, पर इस बार 1990 और 2020 का समय लिया गया है। प्रेम कहानी अलग है, जोड़ी अलग है और उसकी उलझने अलग हैं। तो दूसरे लोगों की तरह फिल्मकार और निर्देशक भी आत्म सम्मोहन के शिकार होते हैं और अपने ही किए पर फिदा होते रहते हैं, तो बीता वक्त उनके ऊपर हावी रहता है। शायद इम्तियाज अली के साथ भी यही बात है। 2009 में उन्होंने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ लव आजकल बनाई थी, जो सफल हुई थी। तो 11 साल तक वे अपनी ही बनाई इस फिल्म से इतने मंत्रमुग्ध रहे कि इसे फिर से बना डाला। उसी नाम से यानी लव आजकल 2, और कहानी भी वही है, बस स्थान और किरदार बदल दिए गए हैं। इस बार नया ये भी है कि सैफ अली खान की बेटी हीरोइन बन के आई है, यानी सारा अली खान और सैफ की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं। हाँ, डायलॉग्स भी बदल दिए गए हैं, इसलिए कि 2009 के बाद जमाना कुछ तो बदला है। तो युवा लड़के और लड़कियां खुलकर और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनको आमतौर पर गाली कहा जाता है। यौन व्यवहार में भी अधिक उन्मुक्तता आ गई है,
वो सब भी इस फिल्म में है, पर कुल मिलाकर फिल्म में नयापन कम है। पुराने लवाजगल की तरह नए लवाजगल में भी दो वक्तों की कहानी है। एक वक्त है रघु और लीना का, जो 1990 का करीब का है, और दूसरा वक्त है आज यानी 2020 का, जिसमें वीर और जोए चौहान में है। तो उदयपुर में रहने वाला 1990 का प्रेमी वीर इतना लल्लू और झेपू है कि अपनी प्रेमिका के साथ छत पर पकड़े जाने पर लोगों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाता, और लीना भी चकू स्कूचाई स्कूचाई सी रहने वाली लड़की है, मानो जबरदस्ती प्रेम को गले में धकेल दी गई है। तो 30 बरस के बाद की कहानी में वीर कुछ कुछ पर पूरी तरह से नहीं लल्लू जैसा ही है, पर लड़की यानी जोए एकदम बोल्ड है, ब्यूटीफुल भी। तो किससे और कब प्रेम किया जाए, इसे लेकर उनके फंडे साफ हैं। वो 22 साल की है और अभी करियर पर ध्यान देना चाहती है, और 5 साल के बाद किसी लड़के के साथ सेटल होना चाहती है, इसलिए जब तक करियर सेटल न हो जाए बॉयफ्रेंड रखने में परहेज नहीं है। लेकिन लव ऐसी चीज है जो हो जाती है, और इसी के कारण वो वीर के से फ्लर्ट करते करते प्रेम भी करने लगती है, पर फिर करियर का विचार आता है और वो उसे छोड़कर चली भी जाती है। क्या वो फिर उससे मिलेगी और दोनों एक दूसरे के होंगे? फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक अच्छी भूमिका है। लव गुरु राज के रूप में है, असल में 30 साल पहले का वीर ही अब राज बन चुका है। वो एक कैफे चलाता है जहां युवा लोग मिलते हैं, और वो उनको कब किससे प्रेम किया जाए इसके बारे में बिना मांगे सलाह दिया करता है। वो अपनी कहानी भी जोए को सुनाता है। लव आजकल अगर सारा अली खान का फिल्मी करियर उठाने के लिए बनाई गई है, तो निर्देशक अपने मकसद में कामयाब हुआ है। सारा अली खान ने वो भूमिका निभाई है जिससे आज के जवान लड़के और लड़कियां अपने दौर का महसूस करेंगे। तो ऐसी लड़की जो अपने शरीर को दिखाना चाहती है, खुलकर अपने बारे में बोल सकती है। लेकिन कार्तिक आर्यन फीके लगे हैं दोनों ही भूमिकाओं में, यानी दौर में वे झिंपू लगे हैं। इम्तियाज अली ने उनके कॉस्ट्यूम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लगता है 1990 वाला रघु वीर बन के आया है। ये हकीकत भी नहीं है कि 1990 में भारतीय युवा वर्ग में वो बदलाव आना शुरू हो गया था जो आज दिखता है। इम्तियाज अली ने 1990 के 1960 समझ लिया है, जिसके कारण उस वक्त का समय प्रामाणिक यहां नहीं दिखता है। तो YouTube और OTT पर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का एक खूब देखा जाने वाला वीडियो है, जिसमें वह अपने इंदौर से दिल्ली जाने और उसके बाद किसी पार्टी में एक दिल्ली वाली लड़की के साथ चंद घंटे गुजारने का अनुभव साझा करते हैं। पूरी कहानी को जाकिर प्रेम और वासना और किशोरास्वय वाली उम्मीदों पर बांधते हैं, और आखिर में आकर वहां अटक जाते हैं, जहां कोई भी लड़का सिर्फ एक गलती करके छिछोरा साबित हो सकता है। तो इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल का वीर वही इंदौर वाला लड़का है, बस इम्तियाज ने उसका शहर बदल उदयपुर कर दिया है। तो इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों की जमात के प्रतिनिधि हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ काली और सफेद नहीं है, वह प्रेम के मायने अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। यह अलग बात है कि मुंबई जैसे शहर में अगर प्रेम सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है तो अनुभव काफी दर्दनाक भी होता है। तो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं देखने के बाद बाकी क्या बचा होगा। अदिति, गीत, मीरा, तारा से जोई तक आते आते 21वीं सदी में भी लोगों को अगर अरिजीत सिंह का गाना शायद अच्छा लगता है, तो इसके मायने यही है कि प्रेम की परिभाषाएं कभी बदलती नहीं है, यह सिर्फ दर्शकों के दिमाग का फितूर है। तो वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म लव आजकल को देखने वाले युवाओं और किशोरों को हालांकि सिनेमा के इतिहास और फिल्मों के रिव्यूज से ज्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता, वे तो बस सिनेमा घरों के अंधेरे में अपने साथी के साथ कुछ लम्हे फुर्सत से गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन ढंग की कहानी और कायदे के अभिनय की तलाश उनको भी रहती है। 11 साल पहले रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और जसेली की फिल्म से इस लव आजकल की तुलना होनी ही है। एक लाइन में कहें तो इम्तियाज अली बतौर निर्देशक 2009 वाली लव आजकल से 2020 वाली लव आजकल को 21 करने से चूक गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा दोष है उनके फिल्म के लीड कलाकारों कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के रवैये का।
दोनों सितारे कहीं से आम इंसानों जैसे नहीं दिखते। उनका हर हाव भाव पर्दे पर और बाहर भी निकली है। तो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कार्तिक और सारा ने जनता के सामने नकली प्रेम भी किया है। तो फिल्म आज लव आजकल में कार्तिक का अभिनय सोचा ना था कि अभय देओल से लेकर रॉकस्टार के रणबीर कपूर की नकल करता दिखता है। सैफ अली खान ने पहले वाली लव आजकल में जो शानदार अभिनय किया था, कार्तिक उसके आधे तक नहीं पहुंचे हैं। तो सैफ पूरी तरह से लय में और किरदार की आत्मा में रचे दिखे थे। तो कार्तिक न दिल्ली से बसे दिखते हैं और ना ही उदयपुर में। सारा अली खान का जितना ध्यान अपने बालों को रंगने और मेकअप को सजाने में रहा होगा, उतना ध्यान शायद उन्होंने अपने अभिनय पर दिया होता तो बात कुछ और ही होती। तो फिल्म के सरप्राइज हैं रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा। हालांकि रणदीप का ये करियर उनके हाईवे वाले महावीर भाट के प्रसंगे जितना भी नहीं है, पर जितनी देर वो पर्दे पर दिख सके, सुकून से दिखे आरुषि शर्मा को लव आजकल का फायदा बहुत मिलने वाला है। हिमाचली शोखियां और ईमानदारी उनके अभिनय के पक्के रंग हैं। सोचा न था, और जब भी मैट फिल्म बनाने के बाद इम्तियाज अली की पहचान ऐसे निर्देशक के रूप में बन गई है जो प्रेम कथा पर आधारित फिल्म बनाने में माहिर हैं। तो इन दोनों फिल्मों की कहानी में नयापन नहीं था, लेकिन जो बात इन्हें विशेष बनाती है वो है इम्तियाज का प्रस्तुतीकरण। तो इस वजह से दर्शकों का लव आजकल से ज्यादा उम्मीदें करना स्वाभाविक है, और यही उम्मीद लव आजकल पर भारी पड़ती है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो आशाएं लेकर आए थे वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लड़का लड़की के बीच प्यार सदियों से चला आ रहा है। पहले कबूतरों से संदेश भेजे जाते थे, आई लव यू कहने में वर्षों बीत जाते थे, अब ईमेल या एसएमएस से बातचीत होती है। वर्तमान पीढ़ी सेक्स को ही प्यार समझ बैठी है, और तू नहीं और सही वाक्य पर विश्वास करती है। तो प्रेमी के इंतजार में वे उम्र तो क्या कुछ घंटे नहीं बिता सकते। इन दो पीढ़ियों के प्यार के प्रति नजरिए को लव आजकल में रेखांकित किया गया है। तो फिल्म में दो कहानियां समांतर चलती हैं। जय और मीरा 2019 के 2009 के युवा हैं, वे बेहद व्यावहारिक हैं। तो साथ घूमना मौज मस्ती करना उन्हें पसंद है, और शादी पर उनका विश्वास नहीं है। काम की खातिर जब मीरा लंदन छोड़कर दिल्ली जाती है तो वे अपने रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगाते। उनका मानना है कि उनके शहरों की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्रेकअप जरूरी है। वे ब्रेकअप को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो एक कहानी 1965 की है। वीर सिंह हरलीन को बेहद चाहता है। दोनों का प्रेम के इजहार से समय लगता है, हरलीन की सगाई हो जाती है, लेकिन वीर सिंह हिम्मत नहीं हारता और उसे भगा कर ले जाता है। तो इन दोनों कहानियों का वर्तमान से में मिलाया गया है। युवा वीर सिंह अब बूढ़ा हो गया है, और वह जय को प्रेम के अर्थ बताता है। जय और मीरा अलग होने के बाद एक दूसरे की कमी महसूस करते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि यही प्यार है। दोनों कहानियों में कोई नई बात नहीं है। लव आजकल में वीर और हरलीन के प्रेम में तीव्रता नजर आती है, और उनकी प्रेम कहानी सतही लगती है, जबकि इस कहानी में प्रेम की भावनाओं को दिखाने का पर्याप्त अवसर था। लव आजकल के किरदारों को ज्यादा ही आधुनिक दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे वे बनावटी लगते हैं। उनकी कहानी भी हम तुम जैसी फिल्मों में आ चुकी है। ये किरदार फिल्म की शुरुआत में व्यावहारिक इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, तब तक फिल्म भी अच्छी लगती है, लेकिन फिल्म के अंत में कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं, और यही पर फिल्म मार खा जाती है। साथ ही प्यार को लेकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं। राहुल खन्ना के से शादी के बाद अचानक अगले ही दिन दीपिका को महसूस होता है कि सैफ को प्यार करती है। अचानक उनमें आए बदलाव का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि राहुल से वे शादी अपनी मर्जी से करती हैं। सैफ अली खान का लुटेरों को दीपिका का फोटो नहीं देने वाला दृश्य तो एकदम फिल्मी है। लेखन की तुलना में इम्तियाज का निर्देशन अच्छा है। दोनों कहानी को बड़ी सफाई से उन्होंने गूंथा है, और इसके लिए फिल्म की एडिटर आरती बजाज भी प्रशंसा के काबिल हैं। दर्शक को अलर्ट रहना पड़ता है कि फिल्म में कब कौन सी कहानी दिखाई जा रही है। हालांकि पुरानी कहानी को सीपिया में दिखाया गया है। युवा वीर के रूप में सैफ और बूढ़े वीर के किरदार में उन्होंने ऋषि कपूर को लेकर अच्छा प्रयोग किया है। तो जय का किरदार निभाने के लिए सैफ की उम्र ज्यादा है, लेकिन वे इस बात को महसूस नहीं होने देते। तो सैफ ने सलाम नमस्ते हम तुम वाली अभिनय की शैली यहां भी दोहराई है।
वीर के रूप में सैफ निराश करते हैं। पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते समय वे असहज लगे। तो दीपिका पादुकोण खूबसूरत हैं लेकिन अभिनय के मामले में कमजोर साबित हुई। ऋषि कपूर अब उन तरह की भूमिकाओं में टाइप्ड होते जा रहे हैं। राहुल खन्ना हरलीन बनी लड़की को ज्यादा अवसर नहीं मिले। तो प्रीतम का संगीत उम्दा है। चोर बाजारी आहू आहू दूरियां ट्विस्ट सुनने लायक है। तो फिल्म के संवाद बेहतरीन है। तकनीकी रूप से फिल्म सशक्त है। कुल मिलाकर लव आजकल एक औसत और टाइम पास फिल्म है। तो लव आजकल की कहानी सारा अली खान आरुषि शर्मा और कार्तिक आर्यन की है। फिल्म दो दौर की प्रेम कहानी है जिसमें सारा अली खान है और जो कमिटमेंट से दूर भागती हैं, तो दूसरी और कार्तिक आर्यन है जिन्हें सारा पूरी चाहिए। वहीं एक पुराना दौर और छोटे शहर की कहानी है जिसमें कार्तिक आर्यन हैं और आरुषि शर्मा के साथ उनके भी पेंच पलटते हैं। पूरी तरह से पुरानी फिल्म के ठर्रे पर घड़ी गई है। तो फिल्म के ना तो फर्स्ट हाफ में दम है और ना ही सेकेंड हाफ में। हालांकि रघु और लीना की स्टोरी थोड़ी अच्छी लगती है, डायरेक्शन के मोर्चे पर इम्तियाज अली एकदम एवरेज है। तो एक्टिंग के मामले में भी लव आजकल बहुत हौसले नहीं बढ़ाती है। सारा अली खान इंप्रेसिव नहीं है, कई सीन्स में वे बहुत ज्यादा लाउड लगती हैं और यहाँ उनकी एक्टिंग स्किल्स पर सवालिया निशान लगता है। जोए के किरदार में सारा बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पाती। वहीं कार्तिक आर्यन रघु बनते हैं तो अच्छे लगते हैं लेकिन वीर दिल में उतरता नहीं है। इस तरह इस बार कार्तिक आर्यन थोड़ा चूकते नजर आते हैं। नई एक्ट्रेस आरुषि का काम ठीक है। लव आजकल का म्यूजिक अच्छा है और कुछ गाने दिल को छूते हैं लेकिन कहानी में नयापन का अभाव है। एक्टिंग काफी कमजोर है, डायरेक्शन के मामले में भी कुछ यूनिक नहीं है। फिल्म को देखकर ना इश्क का की तपिश ना अदाकारी का जुनून ही महसूस होता है। तो प्यार एक ऐसा इमोशन है जो दिलीप कुमार के जमाने से लेकर कार्तिक आर्यन तक भले ही कितना कंफ्यूजिंग क्यों ना हो लेकिन वह जो जरूर जाता है। प्यार को हैंडल करने के तरीके जरूर जनरेशन के साथ साथ बदलते जाते हैं लेकिन अंततः प्यार अपनी मंजिल पाना चाहता है। दुनिया भर की सारी किताबें कहानियां और फिल्में प्यार पाने और प्यार होने और प्यार खोने पर ही आधारित हैं। तो इम्तियाज अली की लव आजकल 2 भी यही बात कहती है। यही बात उन्होंने लव आजकल में भी कही थी जो लव आजकल 2 में कह रहे हैं। तो फिल्म की कहानी दो स्तरों पर चलती है। 2020 की एक मॉडर्न लड़की है जोई। उसकी जिंदगी का मकसद अपना करियर बनाना है लेकिन इस बीच में बहुत मजस्ती और जिंदगी जोने जीने से भी उसे परहेज नहीं। तो वह प्यार में नहीं पड़ना चाहती, उसके प्यार में पड़ जाता है वीर। वीर का मानना है कि प्यार चाहिए तो 100% चाहिए वरना नहीं चाहिए। और इन दो अलग अलग लोगों के बीच प्यार कैसे कैसे रंग दिखाता है दूसरे स्तर पर 1990 की लीना और रघु की कहानी है। वहां भी बेइंतहा प्यार है लेकिन उस प्यार को खोने का चुभना एहसास भी है। एक पीढ़ी में प्यार को पाने और खोने में क्या क्या गलतियां की, उनका प्यार को टैकल करने का अंदाज कहां चूक गया। यही दोनों स्तरों की कहानियां लव आजकल 2 में साथ साथ चलती रहती हैं। तो इम्तियाज अली भले ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं मगर इस फिल्म के साथ वह खुद को सिर्फ दोहरा रहे हैं। फिल्म इंटरवल तक स्क्रीन प्ले लेवल पर थोड़ी कमजोर साबित होती है। वहीं क्लाइमेक्स में आकर मन वांछित भाव जगाने में भी कम सफल होती है। तो अभिनय की बात करें तो कार्तिक आर्यन जिस तरह के फिल्मों के अभिनेता रहे हैं उन सारी फिल्मों में से फिल्म एकदम अलग है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि किरदार चाहे कैसा भी हो वह उसे अपना बना लेंगे। अभिनेता के तौर पर यह कार्तिक के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो सारा अली खान रियल लाइफ में जिस तरह की जैस जोई का किरदार बिल्कुल वैसा ही है। कुछ दृश्यों में वह कमाल करती नजर आती हैं। रघु के किरदार में रणदीप हुड्डा प्रभावित करते हैं अगर यह कहें तो गलत नहीं होगा। लव आजकल 2 कोई महान फिल्म नहीं है मगर एक बार जरूर देखी जा सकती है। फिल्म समझने के लिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने लव आजकल 2 कल नहीं देखी तो निश्चित तौर पर आपको एक अलग अनुभव जरूर हासिल होगा। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म लव आजकल 2020 में रिलीज हुई फिल्म है। ये 2009 में रिलीज हुई कल आजकल का अगला भाग ही कहा जा सकता है।
तो फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं डाला गया है। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान साथ में अच्छे लगते हैं, रणदीप हुड्डा भी अपने रोल के साथ न्याय करते दिखते हैं, लेकिन फिल्म में इनके किरदारों को अच्छे से नहीं लिखा गया है। इस फिल्म को देखने के बाद इम्तियाज अली की जब हैरी मेट सेजल की याद आती है कि जिसमें बात तो प्यार इश्क की जाती है, लेकिन लव स्टोरी में से प्यार का यूं कहें कि कहानी आत्मा मिसिंग नजर आती है, तो फिल्म में दो अलग लव स्टोरीज दिखाई गई हैं। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाया गया है। फिल्म पर एक ओवर रेटेड मेलोड्रामा है। जिस फिल्म में जिस तरह जोई के कैरेक्टर को कंफ्यूज दिखाया गया है, ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी दर्शकों को कंफ्यूज करती नजर आ रही है। तो फिल्म में यह मैसेज साफ ही नहीं हो पा रहा कि आखिर निर्देशक दिखाना क्या चाहते हैं। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की लव आजकल, तो जिसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है। बीते कई दिनों से दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार था जो वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई 2020 में। तो फिल्म में सारा और कार्तिक के अलावा रणदीप हुड्डा और आयुषी शर्मा भी हैं। तो आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। अगर फिल्म का एक लाइन में टेक अवे पूछा जाए तो फिल्म का एक डायलॉग इसका जवाब होगा, तुम मुझे तंग करने लगे हो। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन सिनेमा हॉल में जाने के पहले अगर आप 2009 में आई इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल जैसे एंटरटेनमेंट की उम्मीद लगाए नहीं जा रहे हैं, तो बाहर निकलने हुए आपको जुबान में इम्तियाज अली की यही डायलॉग निकलेगा, क्योंकि यह फिल्म अपने ओरिजिनल वर्जन यानी सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण वाली लव आजकल से कोसों दूर है। यहां आप फिल्म को देखने के बाद सैफ अली खान की ट्रेलर रिव्यू से सहमत होते होने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें खुद की फिल्म का ट्रेलर इससे ज्यादा अच्छा लगा था। वहीं फिल्म के मामले में भी यह बात सच साबित होती नजर आई है। तो लव आजकल एक ही सिक्के के दो पहलू प्रस्तुत करता है। पहले फ्रेम में ही कहानी पास्ट और प्रेजेंट को साथ लेकर चलती है, जहां करियर ओरिएंटेड और बेबाक जोई आज के दौर की वो लड़की है जो किसी सीरियस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं बनना चाहती, लेकिन लड़कों के साथ टाइम पास करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से उसका करियर, क्योंकि वह नहीं चाहती कोई रिश्ता उसके करियर में बाधा बने। तो एक रात उसकी मुलाकात बेवकूफ से दिखने वाले और अपनी दुनिया में खोए रहने वाले वीर से होती है जो पेशे से प्रोग्रामिंग इंजीनियर है। जोई को वो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वीर जोई को यूनिक और स्पेशल समझकर उससे फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता तो जोई को बहुत ही अजीब लगता है और वीर पर झुंझलाती है, लेकिन वीर जोई का पीछा करता हुआ उसको वर्क प्लेस तक पहुंच जाता है। यहां पर रघु जोई को अपने प्रेम कहानी सुनाकर एहसास दिलाता है कि वीर उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद शुरू होती है 90 के दशक की प्रेम कहानी, जिसमें रघु उदयपुर में अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना के लिए इस कदर प्यार करता है। दोनों की प्रेम कहानी उदयपुर में फेमस होनी होती है, दोनों बदनाम हो जाते हैं। इस रघु और लीना की लव स्टोरी को सुनकर जोई वीर की अहमियत को समझने लगती है, लेकिन इसके बाद एक जगह जोई का करियर दोनों के रिश्ते का एक दर्दनाक मोड़ पर ले जाता है। दूसरी ओर रघु और लीना का मासूम स्कूल लव भी अपना रंग बदलता नजर आता है। इसके आगे क्या हुआ यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की कहानी के बहाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार संगीतकार प्रीतम प्रभावित करने में असफल रहे, क्योंकि यह फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी के हिसाब से उतने परफेक्शन के साथ दिलों में नहीं उतरती। जब कोई और वीर की कहानी का क्या होगा और उसे उस पुरानी कहानी का क्या होगा यह फिल्म में देखने वाली बात है। तो इस फिल्म में बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी में से एक सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को लिया गया है। लोगों को इन दोनों से बहुत उम्मीद तो बहुत होगी, लेकिन इन दोनों ने इस फिल्म में कुछ खास कमाल किया नहीं। ये कहानी जोई की है तो पहले उस पर ही बात करते हैं। चुलबुली जल्दी से भाग जाने वाली, करियर को अपना नंबर वन प्यार बनाकर रखने वाली लड़की जोई के किरदार में सारा अली खान आपको सारा कम और करीना कपूर खान ज्यादा लगेंगी। जोई हर बात पर परेशान रहती हैं, उनमें गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है और पैशन भी है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और वो है सारा अली खान की एक्टिंग। सारा इस किरदार में जान डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए वो पर्दे पर खड़ी बस आपको तंग कर रही है। यहां कार्तिक आर्यन के दो रूप देखने को मिलेंगे आपको, तो एक तरफ वो 90s के रघुवेंद्र हैं, तो दूसरी तरफ 2020 के वीर। मुझे 2020 का वीर पसंद आया, क्योंकि वैसे लोग आज के समय में
कम ही मिलते हैं। तो नबेस का रघुवेंद्र आइडियल लवर से शुरू होकर कहीं और ही पहुंच जाता है, जो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब करते हैं एक्टिंग की बात। दोनों ही किरदारों में कार्तिक आर्यन ने बहुत जगह ऐसी एक्टिंग की है जो जैसे वो दिमागी रूप से हिले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनका काम थोड़ा बेहतर होता है। हिमाचल में दिखाया गया कार्तिक आर्यन वाला सीक्वेंस अच्छा है, उनकी एक्टिंग सारा अली खान से थोड़ी बेहतर थी। तो इस फिल्म से आरुषि शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, तो उनका काम अच्छा है। हालांकि उन्होंने भी ज्यादा कमाल नहीं किया, उनके किरदार की डिमांड के हिसाब से आरुषि ने सही काम किया है। फिल्म लवाजकल में एक और किरदार है जिसे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था, और वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप को नब्बेज के रघुवेंद्र का बड़ा हो चुका वर्जन है, जो जोई को अपनी प्रेम कहानी सुना रहा है। इसके अलावा फिल्म में जोई की मां के किरदार में सिमोन सिंह हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो इम्तियाज अली के दिमाग में ये वाली लव स्टोरी लव आजकल बनाने का जबरदस्त आइडिया जरूर आया होगा, लेकिन वो इस फिल्म में कुछ नहीं कर पाए। एक हद से ज्यादा उलझी हुई कहानी, एक बैकड्रॉप में चलती कहानी और पुराने गानों के नए वर्जन निकाल कर अगर फिल्में बनाई जाने लगी तो फिर जनता को इम्तियाज अली स्टाइल का सिनेमा देखने को कैसे मिलेगा। तो साल 2009 में आई लव स्टोरी को देखिए तो आपको बहुत कुछ फील होगा। यहाँ आप बस पूरा समय सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। फिल्म अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आगे चलकर इतनी स्लो हो जाती है कि उसे देख झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इम्तियाज अली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें रॉक स्टार का रणबीर कपूर दिया, जो अपने आप में अलग है। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन हर बार एक अलग नया सा इंसान लगता है, लेकिन लवाजकल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ, मैं गलत और शायद जैसे गाने आपको पसंद आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है, इसमें आपको 2009 वाली लव आजकल के गाने दूरियां का नया वर्जन सुनने को मिलेगा, जो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मूवी से बाहर आकर पुरानी वाली फिल्म के गाने जरूर सुनना चाहेंगे, कम से कम मैंने तो यही किया है। तो बॉलीवुड के नए लव गुरु इम्तियाज अली एक और प्रेम कहानी लेकर आए थे, 2009 की अपनी फिल्म लव आजकल का इसी नाम से नया संस्करण लेकर आए थे। तो पहले वाले में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे और इस बार उनकी बेटी सारा अली खान एक मुख्य भूमिका में है। तो इम्तियाज अली की इस फिल्म की कहानी भी कमोबेश पिछली फिल्म जैसी ही है, बस मामूली फेरबदल है। लोकेशंस इस बार भारत में ही है, जबकि पिछली फिल्म में लोकेशंस लंदन और भारत दोनों थे। तो इसमें सैफ की जगह कार्तिक है, दीपिका की जगह सारा है, ऋषि कपूर की जगह रणदीप हुड्डा हैं और गेजोली मेंटेरो की जगह आरुषि शर्मा हैं। जूही उर्फ जोई करियर को लेकर महत्वाकांक्षी लड़की है, वह इन्वेंट मैनेजमेंट में सफल करियर बनाना चाहती है। उसके जीवन का फलसफा करियर और मौज मस्ती है, इसलिए रिश्ते में कमिटमेंट से दूर भागती है। वह दिल्ली में रोज रघु के कैफे में जाती है और वहीं बैठकर जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करती रहती है। वीर को वह अच्छी लगती है, उसकी वजह से वह भी रघु के कैफे में जाने लगता है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण हो जाता है। तो वीर संजीदा है, जबकि जोई के लिए करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच अंततः सच्चा वाला प्यार हो जाता है। रघु को इन दोनों के से बहुत लगाव है, उसे लगता है कि जवानी में वह भी वीर के जैसा ही था। वह जूही को अपने प्रेम की कहानी सुनाता है। तो रघु उदयपुर में रहता है, वह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लीना से प्यार करता है। दोनों के रिश्तों में समाज मुश्किलें खड़ी करता है, तो लीना के माँ बाप उसे दिल्ली भेज देते हैं ताकि रघु से अपना उसका पीछा छूट जाए। तो रघु भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ लीना के लिए दिल्ली आ जाता है। इधर वीर और जोई की प्रेम कहानी भी एक अलग मोड़ पर आ जाती है। दोनों प्रेम कहानियां साथ साथ चलती हैं, एक फ्लैशबैक में और एक वर्तमान में, एक 1990 की और दूसरी 2020 की। तो कार्तिक दोहरी भूमिका में है, लेकिन उनका अभिनय उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले कमतर जरूर है। तो युवा रघु की भूमिका में उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब लगती है, किरदार भी ठीक से नहीं घड़ा गया है। हाँ, वीर के रूप में वे थोड़े ठीक लगे हैं, सारा अली खान भी प्रभावित नहीं कर पाए। तो कई बार लगता है कि वो अभिनय करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, इसलिए ओवर एक्टिंग का शिकार हो जाती हैं। तो रणदीप हुड्डा अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन पटकथा की कमजोरी की वजह से वो अपना शीर्ष नहीं दे पाए हैं। तो आरुषि शर्मा की यह पहली फिल्म है, इस लिहाज से उनका काम ठीक है। सिमोन सिंह का काम भी ठीक है, लेकिन उनके किरदार में ड्रामा ज्यादा है। बाकी कलाकारों के लिए इस फिल्म में करने को कुछ खास था ही नहीं। तो इस फिल्म की पटकथा बहुत उलझी हुई है, इसमें प्रेम की फिलॉसफी को बेवजह इतना खींचा गया है कि वह दर्शकों के दिलों में एहसास पैदा नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि पटकथा प्रेम कहानी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम का दर्शन पढ़ाने के लिए लिखी गई है।
तो पहले आधे घंटे में ये फिल्म ठीक लगती है, लेकिन इसके बाद भटक जाती है। किसी भी प्रेम कहानी की सफलता तभी है जब वह दर्शकों को मन को छुए, तो उनके दिमाग को उलझाए नहीं, पर यह फिल्म दिमाग को उलझाती है, लिहाजा अक्सर बोझल लगने लगती है। यह फिल्म बस किसी किसी दर्शक दृश्य में कुछ प्रभावित करती है, बाकी हिस्सों में ऐसा दर्शन ठेलती है कि समझ में ही नहीं आता कि बतौर लेखक और निर्देशक इम्तियाज अली दर्शकों को क्या दिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। तो जाहिर है इस फिल्म की तुलना 2009 के लव आजकल से होगी ही, और जब तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 2020 की लव आजकल पिछली फिल्म के मुकाबले काफी कमजोर है हर पहलू से। पटकथा के मामले में, प्रस्तुतिकरण के मामले में, अभिनय के मामले में, संगीत के मामले में, तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कमजोर है। ऐसा लगता है कि लव गुरु का तगमा इम्तियाज पर भारी पड़ने लगा है। हर हाल में लव स्टोरी, वह भी बिल्कुल अलग तरह की, बनाने की जिद में वह दबाव में आ गए प्रतीत होते हैं, जिसका असर उनके कहानी कहने की कला पर पड़ने लगा है। तो शायद यही वजह है कि हाईवे के बाद वह एक भी याद रखने वाली फिल्म नहीं दे पाए हैं। फिल्म का संगीत भी याद रखने लायक नहीं है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और हिमालय के कुछ दृश्य मनोहारी लगते हैं, तो कुल मिलाकर यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती और औसत से भी कमतर फिल्म मालूम पड़ती है। एक दृश्य में जोड़ आंखों से आंसू लिए वीर से कहती है, अब तुम मुझे तंग करने लगे हो। फिल्म खत्म होते होते यह संवाद आप निर्देशक से कहना चाहेंगे, तो फिल्म खत्म होते ही सबसे पहले एक सवाल आपके दिमाग में कौनता है, क्या इस फिल्म का निर्देशन सच में इम्तियाज अली ने ही किया है? सोचा ना था जब वी मेट, लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार जैसी फिल्मों के बाद यह विश्वास करना थोड़ा कठिन हो गया है। इम्तियाज अली की फिल्मों का सबसे मजबूत पक्ष होता है स्क्रीन प्ले, अभिनय, संगीत, सिनेमेटोग्राफी। लव आजकल में ये सभी पहलू कमजोर है। साल 2009 में इसी नाम से आई फिल्म की तरह ही लव आजकल भी आगे बढ़ती है, पर इस बार 1990 और 2020 का समय लिया गया है। प्रेम कहानी अलग है, जोड़ी अलग है और उसकी उलझने अलग है, तो दूसरे लोगों की तरह फिल्मकार और निर्देशक भी आत्म सम्मोहन के शिकार होते हैं और अपने ही किए पर फिदा होते रहते हैं, तो बीता वक्त उनके ऊपर हावी रहता है। शायद इम्तियाज अली के साथ भी यही बात है। 2009 में उन्होंने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ लव आजकल बनाई थी जो सफल हुई थी, तो 11 साल तक वे अपनी ही बनाई इस फिल्म से इतने मंत्रमुग्ध रहे कि इसे फिर से बना डाला उसी नाम से, यानी लव आजकल 2, और कहानी भी वही है, बस स्थान और किरदार बदल दिए गए हैं। इस बार नया ये भी है कि सैफ अली खान की बेटी हीरोइन बन के आई है, यानी सारा अली खान और सैफ की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं। हाँ, डायलॉग्स भी बदल दिए गए हैं, इसलिए कि 2009 के बाद जमाना कुछ तो बदला है, तो युवा लड़के और लड़कियां खुलकर और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनको आमतौर पर गाली कहा जाता है। यौन व्यवहार में भी अधिक उन्मुक्तता आ गई है, वो सब भी इस फिल्म में है, पर कुल मिलाकर फिल्म में नयापन कम है। पुराने लव आजकल की तरह नए लव आजकल में भी दो वक्तों की कहानी है, एक वक्त है रघु और लीना का जो 1990 का करीब का है, और दूसरा वक्त है आज यानी 2020 का, जिसमें वीर और जोए चौहान में है। तो उदयपुर में रहने वाला 1990 का प्रेमी वीर इतना लल्लू और झेपू है कि अपनी प्रेमिका के साथ छत पर पकड़े जाने पर लोगों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाता, और लीना भी चकू स्कूचाई स्कूचाई सी रहने वाली लड़की है, मानो जबरदस्ती प्रेम को गले में धकेल दी गई है। तो 30 बरस के बाद की कहानी में वीर कुछ कुछ पर पूरी तरह से नहीं, लल्लू जैसा ही है, पर लड़की यानी जोए एकदम बोल्ड है, ब्यूटीफुल भी, तो किससे और कब प्रेम किया जाए इसे लेकर उनके फंडे साफ हैं। वो 22 साल की है और अभी करियर पर ध्यान देना चाहती है और 5 साल के बाद किसी लड़के के साथ सेटल होना चाहती है, इसलिए जब तक करियर सेटल न हो जाए बॉयफ्रेंड रखने में परहेज नहीं है, लेकिन लव ऐसी चीज है जो हो जाती है, और इसी के कारण वो वीर के से फ्लर्ट करते करते प्रेम भी करने लगती है, पर फिर करियर का विचार आता है और वो उसे छोड़कर चली भी जाती है। क्या वो फिर उससे मिलेगी और दोनों एक दूसरे के होंगे? फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक अच्छी भूमिका है, लव गुरु राज के रूप में है, असल में 30 साल पहले का वीर ही अब राज बन चुका है। वो एक कैफे चलाता है जहां युवा लोग मिलते हैं और वो उनको कब किससे प्रेम किया जाए इसके बारे में बिना मांगे सलाह दिया करता है। वो अपनी कहानी भी जोए को सुनाता है। लव आजकल अगर सारा अली खान का फिल्मी करियर उठाने के लिए बनाई गई है तो निर्देशक अपने मकसद में कामयाब हुआ है।
सारा अली खान ने वो भूमिका निभाई है जिससे आज के जवान लड़के और लड़कियां अपने दौर का महसूस करेंगे। तो ऐसी लड़की जो अपने शरीर को दिखाना चाहती है, खुलकर अपने बारे में बोल सकती है। लेकिन कार्तिक आर्यन फीके लगे हैं दोनों ही भूमिकाओं में, यानी दौर में वे झिंपू लगे हैं। इम्तियाज अली ने उनके कॉस्ट्यूम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लगता है 1990 वाला रघु वीर बन के आया है। ये हकीकत भी नहीं है कि 1990 में भारतीय युवा वर्ग में वो बदलाव आना शुरू हो गया था जो आज दिखता है। इम्तियाज अली ने 1990 के 1960 समझ लिया है, जिसके कारण उस वक्त का समय प्रामाणिक यहां नहीं दिखता है। तो YouTube और OTT पर मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान का एक खूब देखा जाने वाला वीडियो है, जिसमें वह अपने इंदौर से दिल्ली जाने और उसके बाद किसी पार्टी में एक दिल्ली वाली लड़की के साथ चंद घंटे गुजारने का अनुभव साझा करते हैं। पूरी कहानी को जाकिर प्रेम और वासना और किशोरास्वय वाली उम्मीदों पर बांधते हैं और आखिर में आकर वहां अटक जाते हैं, जहां कोई भी लड़का सिर्फ एक गलती करके छिछोरा साबित हो सकता है। तो इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल का वीर वही इंदौर वाला लड़का है, बस इम्तियाज ने उसका शहर बदल उदयपुर कर दिया है। तो इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के उन निर्देशकों की जमात के प्रतिनिधि हैं, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ काली और सफेद नहीं है, वह प्रेम के मायने अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। यह अलग बात है कि मुंबई जैसे शहर में अगर प्रेम सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है तो अनुभव काफी दर्दनाक भी होता है। तो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं देखने के बाद बाकी क्या बचा होगा। अदिति, गीत, मीरा, तारा से जोई तक आते आते 21वीं सदी में भी लोगों को अगर अरिजीत सिंह का गाना शायद अच्छा लगता है, तो इसके मायने यही है कि प्रेम की परिभाषाएं कभी बदलती नहीं है, यह सिर्फ दर्शकों के दिमाग का फितूर है। तो वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म लव आजकल को देखने वाले युवाओं और किशोरों को हालांकि सिनेमा के इतिहास और फिल्मों के रिव्यूज से ज्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता, वे तो बस सिनेमा घरों के अंधेरे में अपने साथी के साथ कुछ लम्हे फुर्सत से गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन ढंग की कहानी और कायदे के अभिनय की तलाश उनको भी रहती है। 11 साल पहले रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और जसेली की फिल्म से इस लव आजकल की तुलना होनी ही है। एक लाइन में कहें तो इम्तियाज अली बतौर निर्देशक 2009 वाली लव आजकल से 2020 वाली लव आजकल को 21 करने से चूक गए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा दोष है उनके फिल्म के लीड कलाकारों कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के रवैये का। दोनों सितारे कहीं से आम इंसानों जैसे नहीं दिखते, उनका हर हाव भाव पर्दे पर और बाहर भी निकली है। तो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कार्तिक और सारा ने जनता के सामने नकली प्रेम भी किया है। तो फिल्म आज लव आजकल में कार्तिक का अभिनय सोचा ना था कि अभय देओल से लेकर रॉकस्टार के रणबीर कपूर की नकल करता दिखता है। सैफ अली खान ने पहले वाली लव आजकल में जो शानदार अभिनय किया था, कार्तिक उसके आधे तक नहीं पहुंचे हैं। तो सैफ पूरी तरह से लय में और किरदार की आत्मा में रचे दिखे थे, तो कार्तिक ना दिल्ली से बसे दिखते हैं और ना ही उदयपुर में। सारा अली खान का जितना ध्यान अपने बालों को रंगने और मेकअप को सजाने में रहा होगा, उतना ध्यान शायद उन्होंने अपने अभिनय पर दिया होता तो बात कुछ और ही होती। तो फिल्म के सरप्राइज हैं रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा। हालांकि रणदीप का ये करियर उनके हाईवे वाले महावीर भाटी के पसंगे जितना भी नहीं है, पर जितनी देर वो पर्दे पर दिख सके सुकून से दिखे आरुषि शर्मा को लव आजकल का फायदा बहुत मिलने वाला है। हिमाचली शोखियां और ईमानदारी उनके अभिनय के पक्के रंग हैं।